स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं आप सबका स्वागत करती हूं, जय भीम बोलती हूं। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्मदिन है। इस चर्चा में हमारे साथ हैं प्रोफेसर दामोदर मोरे जी, प्रोफेसर राजेश पासवान जी, डॉक्टर गंगा साहेब मीणा जी, डॉक्टर डी एन यादव जी, प्रियंका सोनकर जी। तमाम पैनलिस्ट का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, जय भीम बोलती। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्मदिन आज न केवल साहित्य जगत में बल्कि तमाम जो लोक व्यवहार में देखा जा रहा है उसमें भी लगातार हमें मीडिया से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता लग रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म दिवस बहुत धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। मैं चर्चा की शुरुआत करूँ इससे पहले चाहूँगी कि हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के परिचय को आप सबके सामने रखें, क्योंकि हमारे जो छात्र हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अध्यापक या तमाम जो दूसरे लोग हैं उनके जीवन परिचय से परिचित हूँ। और ये मैं इसलिए भी आप सबको बताना चाहती हूँ, आप सब विद्वत्तापूर्ण अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ आपको परिचय बताने के लिए, उसका एक बड़ा रीजन है, वो ये कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जब अंतिम दिनों में जब मेरे यहाँ कुछ दिन थोड़े दिन रहे थे, मुझे उनके सानिध्य का मौका मिला था, उनसे बात करने का मौका मिला था, तब उन्होंने मुझे जो परिचय मैं आपको बता रही हूँ वो उन्होंने मुझे खुद दिया था। इसलिए बाद में जो किताबों में छपा है या जो भी कहें, मतलब उन्होंने मुझे जो परिचय मुझे दिया हुआ है वो मैं आपके सामने जरूर कहूँगी। और उससे पहले कि मैं इस बात की शुरुआत करूँ, ये भी कहना चाहती हूँ कि अंतिम दिनों में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी शिमला एडवांस स्टडी में एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, देर रात तक भी वो पढ़ते थे, और मैं क्योंकि हमारी बिटिया आने वाली थी, मेरी स्थिति ऐसी थी कि रात को मुझे भी नींद नहीं आती थी, तो जो मैडम थे वो भी सो जाते थे मेरे, मतलब जो मुकेश थे वो भी सो जाते थे, मुझे भी नींद नहीं आती थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी नींद सोते थे। हालांकि मेरा रीजन दूसरा था, उनका रीजन दूसरा था, वो तब उस वक्त प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रहे थे। मैंने उनको कई बार रिक्वेस्ट भी की कि सर थोड़ा आराम कर लीजिए, आराम करेंगे ठीक रहेंगे तो और ज़्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है कि अंतिम समय तक भी काम करते रहते हैं। तो मैं विवरण से शुरू करना चाहती हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म आज के दिन 1950 में मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने एमए हिंदी साहित्य में किया हुआ था, जो उनका कार्यक्षेत्र था लेखन के अलावा उनका कार्य अनुभव ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के जो अधीन आता है, अनेक पदों पर रहते हुए मैकेनिकल इंजीनियर, उत्पादन प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विजन डिवाइसेस एंड प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव, सहायक कार्य प्रबंधक प्रशासन ग्रुप ए में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी 2010 में सेवानिवृत्त हुए। उनको अनेक पुरस्कार मिले, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में, जयश्री सम्मान 1996 में, कथाक्रम सम्मान 2001 में, न्यू इंडिया बुक प्राइज 2004 में, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 न्यूयॉर्क अमेरिका में, साहित्य भूषण सम्मान 2006 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा। लगभग 60 नाटकों में अभिनय और निर्देशन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किया। विभिन्न नाट्य दलों द्वारा दो चेहरे नाटक का मंचन हुआ। झूठन के नाट्य रूपांतरण का अनेक नगरों, जालंधर, चंडीगढ़, लुधियाना, कैथल आदि में मंचन हुआ। सलाम कहानी पर दूरदर्शन द्वारा टेलीफिल्म फिल्म का भी निर्माण किया गया। अनेक राष्ट्रीय सेमिनारों में हिस्सेदारी, अनेक विश्वविद्यालयों, शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में रचनाएं शामिल हुई। रानी दुर्गा वती विश्वविद्यालय जबलपुर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में पाठ्यक्रम में अनेक व्याख्यान हुए। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रथम दलित साहित्य सम्मेलन 1993 नागपुर के अध्यक्ष रहे, अध्यक्षता की। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, शिमला सोसाइटी के पूर्व सदस्य भी रहे और अंतिम समय में भी वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। 28वें अस्मिता दर्श साहित्य सम्मेलन 2008 महाराष्ट्र की अध्यक्षता की। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में फैलो रहे। बहुत सारी प्रकाशित पुस्तकें थी, सदियों का संताप 1989 में, बस बहुत हो चुका 1997 में, अब और नहीं
2009 में शब्द झूठ नहीं बोलते, 2012 में प्रतिनिधि कविताएं संपादन और चयन डॉक्टर रामचंद्र जी ने जो किया 2012 में, आत्मकथा झूठन 1997 में पंजाबी में अनुदित हुई, 98 में अंग्रेजी, 2003 में स्वीडिश, 2006 में जर्मनी, 2006 में तमिल, 2003 में मलयालम में, 2004 में कन्नड़ में, 2006 में तेलुगु में, 2010 में उड़ीसा में, 2012 में गुजराती में, और बंगला में उनके अनुसार 2012 में उन्होंने लिखा था कि ये शीघ्र प्रकाशित होने वाली है। मुझे लगता है उनका प्रकाशन हो चुका होगा अब तो, मराठी में भी शीघ्र प्रकाशित था। दामोदर मौर्य जी हमारे साथ हैं, वो इसके ऊपर बाद में चर्चा भी करेंगे। कहानी संग्रह सलाम 2010 घुसपैठिए 2003 छतरी शीघ्र प्रकाश से उन्होंने लिखा हुआ है ज्ञानपीठ से, अम्मा एंड अदर स्टोरीज 2008 मेरी प्रिय कहानियां ये भी उन्होंने 2008 में शीघ्र प्रकाश से लिखा है ज्योति पर प्रकाशन में, मेरी प्रतिनिधि कहानियां ये भी शीघ्र प्रकाश से था और किताब घर प्रकाशन नई दिल्ली में, आलोचना जिसमें आज हमारे साथ बजरंग तिवारी जी बातचीत भी करेंगे, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 2001, मुख्य धारा और दलित साहित्य 2009, दलित साहित्य अनुभव संघर्ष और यथार्थ ये भी उन्होंने लिखा था राजकमल प्रकाशन से शीघ्र प्रकाशित। सामाजिक अध्ययन सफाई देवता जो वाल्मीकि समाज के ऐतिहासिक सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उन पर आधारित है सफाई देवता, जिसमें हिंदी में 2008 में और मराठी में 2011 में, नाटक 2012 उसे वीर चक्र मिला था, ये स्वराज प्रकाशन से शीघ्र प्रकाश से उन्होंने लिखा हुआ है। विचार के दलित साहित्य की विकास यात्रा साक्षात्कार है डॉक्टर रामचंद्र जी ने किया है, लिखा है उन्होंने शीघ्र प्रकाश से में, अनुवाद क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ कांचा अलैया जी का था, अंग्रेजी से हिंदी, समय प्रकाशन कोलकाता 2006 से, तायरन का शहर अरुण काले का कविता संग्रह मराठी से हिंदी में, बहुत सारी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया जिसमें प्राज्ञ साहित्य, दलित हस्तक्षेप, तीसरा पक्ष, दलित दस्तक के अंक, और इसके बाद जो उन्होंने मुझे भेजा हुआ परिचय विवरण में अकादमिक संस्थाओं राष्ट्रीय समितियों के लगभग 8 विश्वविद्यालयों समेत वो सदस्य रहे। पाठ्यक्रम में रचनाएं बहुत सारी शामिल रही जिसमें उन्होंने जो नोट किया हुआ है एक तरह से वो है लगभग मेरे सामने 37 उसमें लिखा गया, और बहुत सारे लेखकों ने आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी। झूठन एक विमर्श बस बहुत हो चुका ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानियों में, सामाजिक लोकतांत्रिक हिंदी दलित साहित्य, दलित अवधारणा ओम प्रकाश वाल्मीकि का साहित्य, दलित चेतना के संदर्भ में कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि, पुस्तकों में बहुत सारी रचनाएं शामिल हैं जो लगभग असल में क्या हुआ है कि यहाँ तक उन्होंने यूनिक कोड में दिया हुआ था अपना जीवन परिचय, उसके बाद उन्होंने किसी और फॉन्ट में दिया हुआ है, उसके बाद का मैं पढ़ भी नहीं सकती, बहुत सारा कुछ लिखा वो समझ नहीं आ रहा, बहुत कोशिश की मैंने इसको ट्रांसलेट करने की ताकि मैं पढ़ पाऊँ लेकिन मुझे समझ नहीं आया। ये एक तरह से उनका ही अपना खुद का परिचय दिया हुआ है, बहुत सारी अप्रकाशित पुस्तकें भी बताई उनमें, और एक जो जिसकी चर्चा हम डीएन यादव जी से भी करेंगे और तमाम पैनलिस्ट से भी करेंगे वो ये थी कि जो दूसरी झूठन का दूसरा संस्करण जो आया वो भी वो 2012 तक लिख चुके थे, और क्योंकि उनका साथ ही साथ पैरेलल में प्रोजेक्ट भी रहा था और 2013 में उनकी डेथ भी हुई, तमाम चीजें हुई। आपको मैं सबको आज उनके जन्मदिन पे याद इसलिए भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने जब वो इस अवस्था में थे अपने अंतिम दिनों में, एक तरह से जो हम सब जानते हैं उनको कैंसर की कैंसर से पीड़ित थे और उसमें लगातार काम करते रहे, तो उन्होंने वो जो दूसरा झूठन का पार्ट है वो मुझे खुद दिया था, मेरे पास आज तक सुरक्षित है। मैंने मैम चंदा से बातचीत भी करी तो वो मुझसे नाराज हुई, और नाराज उनकी जायज थी लेकिन रीजन मेरा भी गलत नहीं था, क्योंकि 2013 में मेरी बेटी हुई, 2013 में, और 13 में ही नवंबर में उनकी डेथ हुई, तो मैं उनके घर पे नहीं जा पाई थी, सिजेरियन थी बेटी,
और आप सब जानते हैं सीजरियन में तो कम से कम 3 महीने तो आप उठ भी नहीं सकते, तो उसके ठीक 15-20 दिन बाद, मतलब इतने दिन में मैं कैसे जाती, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा पाई, तो मैडम बहुत नाराज हुई और उन्होंने एक तरह से मुझे ये कहा कि आपके पास वाल्मीकि जी ने दिया था अंक, आप उसकी चर्चा कहीं नहीं करेंगे, वो मेरे पास सुरक्षित है, मैं उसका किसी को नहीं दे सकती। ये मैं जस्ट एक सूचना के रूप में आप सबको बता रही हूँ, क्योंकि दूसरा संस्करण आ चुका है और जब मेरे हाथ में दूसरा संस्करण आया तो आप सब समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में चर्चा करते हुए। सबसे पहले मैं प्रोफेसर दामोदर मोरे जी, जो मराठी और अंग्रेजी के हमारे सामने विद्वान रहे हैं, आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविताओं के ऊपर एक तरह से चर्चा में सर भागीदारी करें। दामोदर मोरे जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आज जयंती है, मैं उन्हें विनम्र अभिवादन करता हूं। ओम प्रकाश जी एक संगोष्ठी के लिए जब मुंबई आए थे तो उनसे मुलाकात हुई, दोनों पति पत्नी आए थे तो मैंने उन्हें घर बुलाया था भोजन के लिए, बाद में दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी। उनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, बस बहुत हो चुका, शब्द झूठ नहीं बोलते, सदियों का संताप अब और नहीं। ये जो 4 कविता संग्रह है, अगर हम शीर्षक का विचार करें तो बहुत ही समर्पक एवं अर्थपूर्ण शीर्षक है सभी के, शब्द झूठ नहीं बोलते। यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी झूठ पर प्रहार तो करते ही है, लेकिन सत्य जो कि जीवन का एक मूल्य है उसकी हिफाजत करते हुए नजर आते हैं। बस बहुत हो चुका, ये जो शीर्षक है ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे हमें उत्पीड़ितों का, दलितों का जो इतिहास है, जो पीड़ा का इतिहास है, उसका एहसास होता है। अब पीड़ा सही नहीं जाती, अब हम नहीं सहेंगे, ये बस बहुत हो चुका इससे ध्वनित होता है। अब और नहीं, इसी में भी इसी तरह का, और सदियों का संताप, मतलब कवि केवल व्यक्तिगत पीड़ा अपनी कविताओं से मुखरित नहीं करते, केवल वर्तमान की पीड़ा वो अभिव्यंजित नहीं करते, बल्कि सदियों की जो पीड़ा है उत्पीड़ितों की, वंचितों की, दलितों की, वो अपनी कविता में अभिव्यंजित करते हैं। इसी कारण ये बहुत ही खूबसूरत शीर्षक उन्होंने दिया है, सदियों का संताप। इन 4 कविता संग्रह की एक और खूबसूरती है और एक विशेषता है, वह यह कि 4 कविता संग्रह उन्होंने किसे समर्पित किए हैं, किसे अर्पित किए हैं। बस बहुत हो चुका कविता संग्रह उन्होंने दलित चेतना के प्रखर कवि हीरा डोम को सादर समर्पित किया है। 1914 में जिस हीरा डोम की कविता सरस्वती में छपी थी, उनके प्रति उन्होंने कृतज्ञता क्या ज्ञापित कर दी है। बस बहुत हो चुका यह कविता संग्रह उनको समर्पित करके, और सदियों का संताप 2012 में प्रकाशित यह काव्य संग्रह बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को समर्पित करते हुए ओम प्रकाश जी लिखते हैं, युग पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिसने आदमी की तरह जीना सिखाया, साथ ही उन सबको जो युगो युगो से मूक बने, अन्याय सहते रहे और इन कविताओं का कारण बने। यह बहुत अहम बात है, महत्वपूर्ण बात है कि दलित साहित्य या अंबेडकरवादी साहित्य जिसे हम कहते हैं, उसका ऊर्जा केंद्र, उसके प्रेरणा पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने
यह कविता संग्रह अर्पित किया है। शब्द झूठ नहीं बोलते, यह जो कविता संग्रह है वह उन्होंने दलित कविता को नया मोड़ देने वाले कवि लोकनाथ यशवंत को अर्पित किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक मराठी कवि लोकनाथ यशवंत को यह कविता संग्रह अर्पित करते हैं। हिंदी में मैंने झपटिका लिखी है, झपटिकाएं लिखी है। एक झपटिका की याद मुझे इस वक्त आ रही है। उस झपटिका में मैंने कहा है, डॉक्टर आंबेडकर के पुतले से मैंने पूछा, डॉक्टर आंबेडकर के पुतले से मैंने पूछा, बाबा ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? डॉक्टर आंबेडकर के पुतले से मैंने पूछा, बाबा ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? वे बोले अरे पगले, वे बोले अरे पगले, तुम सोए हो या जाग रहे हो ये मैं देख रहा हूँ, तुम सोए हो या जाग रहे हो ये मैं देख रहा हूँ। तो असल में साहित्यकार समाज का पहरेदार होता है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविता है, ये चारों कविता संग्रह जो है, कोई भी कविता हम पलट के देखे पढ़े, उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का व्यक्तित्व समाज के एक सजग पहरेदार के रूप में हमें दिखाई देता है। और उनकी जो कविता है उनमें हमें ये पता चलता है कि ओम प्रकाश जी ने शब्दों की जो ताकत है उसे बहुत अच्छी तरह से पहचाना था। उनकी जो कविता है वह हवाओं का रुख बदलना चाहती है, और शब्द जिंदा रहेंगे तभी समाज बदलेगा, यह विश्वास को जगाती है। सामाजिक संघर्ष की सशक्त अभिव्यक्ति करना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की प्रतिभा का धर्म है। यह कविता दाहक अनुभव की दास्तान है। केवल वेदना ही इन कविताओं में नहीं है, धधकता विद्रोह भी इस कविता में दिखाई देता है। असल में ये उनकी कविता अग्निधर्मी कविता है। अमानुषता पर, अमानवीयता पर, सामाजिक विषमता पर बिजली जैसी यह कविता टूट पड़ती है। कोई भी कविता देखो, सदियों के संताप के दहकते अंगारे उसमें धधकते दिखाई देते हैं। यह कविता केवल सामाजिक परिवर्तन की मांग नहीं करती, आर्थिक परिवर्तन की भी मांग करती है, और सामाजिक विषमता के खिलाफ, जाति भेद के खिलाफ शब्दों का मोर्चा बड़ी हिम्मत से, सामर्थ्य से खोल देती है। केचुआ, केचुआ को अगर हम बीच में से उंगलियों से उठाए तो वो दोनों तरफ नीचे झुक जाता है, नीचे लटकता है। ऐसी कविता नहीं चाहिए, ऐसी कविता अंबेडकरवादी नहीं हो सकती कि जो केचुआ उठाकर देखा तो नीचे की ओर झुक जाए। तो अंबेडकरवादी कैसी कविता होती है? अंबेडकरवादी कविता मैं उसे कहता हूं जो अगर कोबरा को, एक कोबरा को हम बीचों बीच उठाए तो वो जैसा फन तानता है और फुत्कारता है, छटपटाता है, उसी तरह की तेज तर्रार कविता अंबेडकरवादी कविता होती है, जो अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करती है। ये सारी विशेषताएं हमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविताओं में दिखाई देती है। उनकी काव्य दृष्टि कैसी है? ओम प्रकाश जी की काव्य दृष्टि में अंबेडकरवादी चेतना लबालब भरी हुई हमें दिखाई देती है। एक कविता में क्या कहते हैं वो,
कविता सिर्फ कविता नहीं होती। इस कविता में वाल्मीकि जी कहते हैं, कविता की चुप्पी बहुत सर्द होती है, कविता की चुप्पी बहुत सर्द होती है, आधी रात में भी गूंजती है। कविता की चुप्पी बहुत सर्द होती है, आधी रात में भी गूंजती है, चौकीदार की सीटी की तरह। आधी रात में भी गूंजती है, चौकीदार की सीटी की तरह, जो हमारी नींद में भी देती है पहरा हमारे ख्वाबों का, जो हमारी नींद में भी देती है पहरा हमारे ख्वाबों का। तो ओम प्रकाश जी की कविता पहरा देने का काम कर रही है, षड्यंत्र हो या बहुजनों के खिलाफ साजिश को पहचानना वह अपना कविता कर्म मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, बैटल टू मी इज ए मैटर ऑफ जॉय। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, बैटल टू मी इज ए मैटर ऑफ जॉय। इसी आधार पर हम कह सकते हैं संघर्ष ही अंबेडकर वाली कविता का संघर्ष है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पूरे साहित्य को जब हम देखते हैं, फूले अंबेडकर से दिखाई देती है, जैसा कि प्रोफेसर दामोदर सर ने कहा। सर मैं आपके पास आती हूँ, हम अब चलते हैं डीएन यादव जी के पास। यादव जी, आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा पढ़ी होंगी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। 7 से 10 मिनट का आपके पास समय है, सभी पैनलिस्ट अपना समय नोट कर लें, 7 से 10 मिनट फर्स्ट राउंड में आप सब बात करेंगे। जी जी, मैं कोशिश करूंगा कि इसी दायरे में ही मैं अपनी बात को संक्षेप में कह सकूं। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस पैनल में मुझे आमंत्रित किया और एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। सभी को जय भीम, नमस्कार। आत्मकथा के बारे में पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आत्मकथाएं आमतौर पर, जो गैर दलित आत्मकथाएं हैं, आमतौर पर वो 3-4 चीजों की शिकार होती देखी गई। एक है, या तो उनमें आत्ममुग्धता दिखाई पड़ती है, या फिर आत्मश्लाघा दिखाई पड़ती है। आत्मश्लाघा जो स्वयं, कहीं कहीं आत्म प्रवंचना भी दिखाई पड़ती है, और कहीं कहीं आत्म पीड़न की अतिरंजना भी दिखाई पड़ती है। अगर वो पीड़ित भी है तो उसे अतिरंजित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ये गैर दलित आत्मकथाओं की ओर मैं इशारा कर रहा हूं, और बहुत बार उसमें आत्म प्रदर्शन भी दिखलाई पड़ता है। लेकिन अगर दलित आत्मकथाओं की बात करें, और विशेष रूप से जूठन की, जिसकी परिचर्चा हम इस वक्त कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि दलितों के हाथों में ये आत्मकथा जो विधा है, वो केवल एक साहित्यिक विधा नहीं रह जाती, वो एक हथियार बन जाती है, वो मानव मुक्ति का एक हथियार बन जाती है। वो समाज की तमाम प्रकार की विडंबनाओं, तमाम प्रकार की जो संरचनागत उत्पीड़न शोषण की संरचना है, प्रपंच है, उसको छिन्न भिन्न करने का एक सशक्त हथियार बन करके उभर करके सामने आती है। और ऐसा ही एक हथियार दलित जीवन को भारतीय समाज में रख करके देखने का हमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जूठन में देखने को मिलता है, जिसके 2 भाग हैं। आप सभी ने पढ़ा है, जिस वक्त ये जूठन आत्मकथा प्रकाशित हुई थी, पूरे हिंदी साहित्य में एक प्रकार की सनसनी फैल गई थी, और ये माना गया कि अभी तक जितना हिंदी साहित्य लिखा गया है वो कितना अधूरा, कितना अपूर्ण और कितना अनुभवों से हीन रह गया है। ये आत्मकथा उसमें एक पूर्णता, एक नई बात लेकर के सामने उपस्थित होती है, और हमारी जो अनुभव की दरिद्रता थी उसको दूर करती है। पूरी आत्मकथा को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो उसका जो शिल्प है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कथ्य है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। आत्मकथा खुलती ही ऐसे है कि 2 मोहल्ले हैं, पहली ही लाइन से वो ऐसे उसका जो पर्दा उठता है आत्मकथा में, तो वो 2 मोहल्ले दिखाई पड़ते हैं, जैसे 2 दुनिया दिखाई पड़ रही। आज तक के हिंदी साहित्य में हम एक दुनिया से परिचित थे, और बड़े गहराई से परिचित थे, बड़े लयात्मक ढंग से परिचित थे, उसका आनंद उठा रहे थे, लेकिन दूसरी दुनिया कहीं छूट रही थी। और वो दुनिया आई थी, ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद जी के यहाँ आई थी, दूसरे जो गैर दलित साहित्यकार थे उनके यहाँ कहीं कहीं आई थी, लेकिन वो केवल छटा के रूप में आई थी, बिंदु के रूप में आई, जैसे कोई चित्र हो
और उस चित्र में कहीं कहीं छोटे छोटे बिंदु आ गए हों, प्रसंग इस तरह से आए थे। लेकिन ये एक पूरी मुकम्मल दुनिया जब खुलती है तो वो दुनिया ऐसी है जिसे देख करके कभी कभी तो घबराहट होती है, कभी डर लगता है, कभी अविश्वास होता है। अविश्वास हम जैसे गैर दलितों को होता है कि क्या ऐसी भी दुनिया हमारे समान अंतर थी, हम इसे क्यों नहीं देख पाए, ये दृष्टियां कहाँ चली गई थी हमारे साहित्य में। तो पूरी की पूरी आत्मकथा जूठन जो है उसका जो पहला खंड है, दूसरा खंड है, वो एक तरह से अंधेरे, मानवीय उत्पीड़न के अंधेरे में जूझते तड़पती मानव मुक्ति की आकांक्षा लिए एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा है जो सिर्फ व्यक्ति की आत्मकथा नहीं रह जाती है बल्कि उस पूरे समाज की, पूरी अस्मिता की, पूरी आइडेंटिटी की आत्मकथा बन जाती है। क्या दुनिया है? एक और जहां मोहल्लों का वो चित्रण होता है अगर आप देखें तो वो बिल्कुल एक समानांतर दुनिया है जिसे आज तक के साहित्यकार बहुत कम देख पाए हैं, और अगर देख भी पाए हैं तो ऐसी दृष्टि से देखे थे जिस दृष्टि में वो दुनिया मुकम्मल नहीं दिखाई पड़ती है। और एक दूसरी बात जो विशेष रूप से मैं इधर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरी आत्मकथा में वाल्मीकि जी ने दयनीयता की दास्तान नहीं गाई है या शिकायतों की सूची नहीं प्रस्तुत की है, ना तो दयनीयता की दास्तान को प्रस्तुत किया है ना शिकायतों की सूची प्रस्तुत की है। इसीलिए ये एक सशक्त आत्मकथा है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अपने शुरुआती दौर में शिल्प की दृष्टि से, कथ्य की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, हर प्रकार से इतनी परिपक्व आत्मकथा कहां दहकती हुई तप रही थी जो बाहर निकल आई। हिंदी प्रदेश के दूसरे साहित्यकारों, दलित साहित्यकारों की आत्मकथाएं भी अगर आप पढ़ेंगे और उनको आमने सामने रख करके उनकी तुलना करेंगे तो इसका जो स्वर है, इसका जो कथ्य है, इसकी जो शैली है, इसकी जो प्रस्तुति है, इसका जो आक्रोश है, इसका जो तपा तपाया विद्रोह है, वो दूसरों से भिन्न दिखाई पड़ता है। और इसके पीछे मैं संभवतः ये कारण समझ रहा हूं कि उनका काफी समय, लगभग 13-14 वर्षों का जो समय है वो महाराष्ट्र में बीता, और महाराष्ट्र में न केवल बीता बल्कि वहां पर रहते हुए उन्होंने उस आंदोलन को भी अच्छी तरह से महसूस किया, जज्ब किया जो उनके आंखों के सामने घट रहा था। और मराठी साहित्य की, मराठी दलित साहित्य की जो परिपक्वता थी, प्रौढ़ता थी, और अंबेडकरी विचारधारा की जो का जो ताप था वो उनके अंदर कहीं ना कहीं खदबदा रहा था। और फिर जब वो निकल करके बाहर आया तो शिल्प की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, तीनों तरह से वो एक परिपक्व और मुकम्मल आत्मकथा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। तो ये जो विशेषता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, ये दलित साहित्य के लिए अपने आप में एक विरासत है, एक अद्भुत बात है, एक ऐसा प्रस्थान बिंदु तय कर देती है जिसके बाद, जिसका अनुकरण करते हुए बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं की गई हैं, लेकिन जो परिपूर्णता वहां देखने को मिलती है वो अपने आप में दुर्लभ है, वो बहुत कम देखने को मिल पा रहा है। दूसरी एक विशेष बात जो मैं कहना चाहूंगा कि दूसरे गैर दलित लेखकों के लिए आत्मकथाएं जहां खिलंदड़, स्वयं को विशेष सिद्ध करने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम होता है, वहीं दलित आत्मकथाएं दलितों के लिए पुनर्रचना करते समय गहन जीवन के दंशों को उभारने वाली यातनाओं से गुजरने के समान है। यह भी बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। स्वयं जूठन की आत्मकथा के दोनों हिस्सों में उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि जब मैं इस आत्मकथा को लिख रहा था तो जिस यथार्थ को मैंने पहले भोगा था उसको मैंने दोबारा अपने जीवन में फिर से भोगा। वो एक प्रसंग का उल्लेख करते हैं इस आत्मकथा में अपने कि जब गिरिराज किशोर जी ने उनसे आग्रह किया कि आप अपनी आत्मकथा का कुछ अंश एक लेख के रूप में हमें प्रस्तुत कीजिए हरिजन से दलित नामक पुस्तक में उसे छापने के लिए, तो वर्णन करते हैं वो कि अगर आप देखें कि वो बहुत हड़बड़ी में एक ही रात में उसे लिखते हैं और उस वेदना और पीड़ा को से वो तुरंत मुक्त होने जाना चाहते हैं, बड़ी तेजी से वो जा करके लिफाफे में भर करके और उसको वहां पोस्ट कर देते हैं, दोबारा उसे नहीं देखते हैं।
दूसरे गैर दलित जो आत्मकथाएं लिखते हैं उसका वो रसा स्वादन करते हैं। दलित जब आत्मकथा लिखता है, पुनर्रचना करता है, तो वो उस यातना से गुजरता है। और तीन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जितना दलितों को दलितों का साहित्य पढ़ने की आवश्यकता है, इस तरह की आत्मकथाओं को पढ़ने की आवश्यकता है, उससे कहीं ज्यादा गैर दलितों को, आलोचकों को, साहित्यकारों को, सामान्य जन को, विशेष रूप से सवर्ण समुदाय को इन आत्मकथाओं को गंभीरता से पढ़ना चाहिए। उनको रचने के बजाय, उनको दलित साहित्य में हस्तक्षेप करके रचने के बजाय, जो स्वानुभूति और सहानुभूति का मसला उठाया जाता है वो साधारण बात नहीं है। आग को देखना और आग में जलना दोनों अंतर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आग को देखना, उसके सौंदर्य से अभिभूत होना, उसकी चमक से आकर्षित होना और उस आग में जलना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सवर्णों के मन के विस्तार के लिए, उनके भाव बोध में परिवर्तन के लिए, उनकी विचारधारा की उदारता के लिए ये आवश्यक है कि जैसे परंपरागत रूप से बहुत सारे धार्मिक पौराणिक ग्रंथ हम पढ़ते चले आ रहे थे, वैसे ही नई मनुष्यता को पाने के लिए जूठन, अपने अपने पिंजर, इस तरह के ग्रंथों को, इस तरह की आत्मकथाओं को बहुत निष्ठापूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। इससे न केवल दलित जीवन की वास्तविक यथार्थ परक छवि का ज्ञान होगा, बल्कि स्वयं को भी मुक्ति के रास्ते पर ले जाने में आसानी होगी। तो ये मैं संक्षेप में अपनी बातें जो है मैंने कही, और मुझे उम्मीद है कि शायद मैं अपनी बात कह पाया। धन्यवाद, दोबारा फिर आपके पास मैं आती हूँ। अब हम चलते हैं गंगा साहेब मीणा सर के पास। सर, आपके चर्चा से पहले मैं एक छोटा सा अंश प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा से पढ़ना चाहूंगी। मैंने चंदा से कहा था, देखो तुम परेशान रहती थी कि हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है, ये बच्चे जो इस वक्त जात पात भूल कर जिस तरह मेरी सेवा कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चे इससे ज्यादा कर सकते थे? ये कौन है हमारे? क्या रिश्ता है इनसे हमारा? क्या ये मेरे अपने नहीं? इन बच्चों ने साबित कर दिया है कि समाज बदल रहा है, जिसे पहचानना जरूरी है। मुकेश और कौशल ने रात दिन हर तरह से मेरा साथ दिया और मेरी ताकत बने। डॉक्टर गुलाब, डॉक्टर हेमलता महेश्वर का अपनापन और सहयोग मेरे जीवन की उपलब्धि है। कैलाचंद चौहान के बारे में जो कुछ कहूंगा वह कम ही होगा। इस त्रास्त घड़ी ने जहां मुझसे बहुत कुछ छीना है, वहीं बहुत कुछ ऐसा भी दिया है जिसने मेरे भीतर जीने की एक गहरी ललक पैदा कर दी है। एक बहुत बड़े परिवार से मुझे जोड़ दिया है, जहां न जाति की दीवार है न धर्म की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के अंतिम शब्द झूठन का दूसरा खंड, इस पाठ को मैंने आपके सामने पढ़ा। अब मैं प्रोफेसर गंगा साहेब मीणा जी के पास। सर, झूठन जो न केवल दलित साहित्य का, बल्कि अगर मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा कि एक तरह से विश्व साहित्य के फलक पर एक बहुत बड़ी भूमिका झूठन ने अदा की है। मेरा सवाल आपसे सीधा है कि झूठन का साहित्य और खासकर दलित साहित्य जगत में क्या महत्व है? न केवल विश्वविद्यालय शिक्षण दृष्टिकोण से ही आप बताएं मुझे, बल्कि लोक व्यवहार में झूठन का क्या महत्व है? आज भी झूठन क्या महत्व रखती है? जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर कौशल कुमार जी, और आपने इस खूबसूरत आयोजन के लिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमारे सामान्य सीनियर्स को जिनसे हम सीखते रहे हैं, डॉक्टर बजन बिहारी तिवारी, डॉक्टर राजेश पासवान, डॉक्टर डी एन यादव और दामोदर मोरे जी के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, कई विद्यार्थी साथी जुड़े हुए हैं, प्रियंका अलका वगैरह भी जुड़े हुए हैं,
प्रोफेसर बिमल थराट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं माफी चाहूंगी, असल में मैम का जिक्र मैं नहीं कर पाई, मेरा ध्यान एक्चुअली आपकी तरफ था। प्रोफेसर बिमल थराट मैम, स्वच्छकर समाज की आवाज की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय भीम बोलती हूँ। अच्छा मैम, आपसे मैं विमल मैडम भी है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद इस खूबसूरत आयोजन के लिए, सबको एक सभी को मेरा जय भीम आज का अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और साथ में आज आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि वाल्मीकि का जन्मदिन है, साथ में आज हूल दिवस भी है। हूल दिवस संथाल हूल की स्मृति में, जो संथाल हूल 1855 में घटित हुआ और आजादी की लड़ाई की शुरुआत हम 1857 से मानते हैं, उसे ठीक 2 साल पहले संथालों का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और उस की आदिवासी शब्दावली में वो उसको युद्ध कहते हैं कि हमारा एक युद्ध था जो न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ था बल्कि भारतीय सामंतवाद के भी खिलाफ था। तो आज की तिथि इन दो मुक्तिकामी आंदोलनों को आपस में जोड़ने का एक संयोग के रूप में मैं आज इसको देख रहा हूँ। और मैंने 2003 में एमफिल के लिए विषय लिया जूठन और तिरस्कृत की तुलना, और बजरंग जी को पढ़ते हुए और कई लोग जो लिख रहे थे उस दौरान तो उनको पढ़ते हुए हमने सीखा कि दलित साहित्य को पढ़ा कैसे जाए। 2005 में अपना शोध खत्म किया, उस बात को 15 साल हो गए। तो आज आपकी बातचीत के प्रसंग में मैं याद कर रहा था कि जूठन को आज 15 साल बाद, 15 साल पहले जब मैंने अपना एमफिल का डिजिटेशन सबमिट किया और आज 15 साल बाद उसको मैं कैसे देखूँ। और चूंकि अब संदर्भ बदल चुके हैं, आज से 15 साल पहले दलित साहित्य तेजी से उभार की तरफ बढ़ रहा था, लगातार रचनाएं आ रही थी, बहुत गोष्ठियां हो रही थी, बहुत शोध हो रहे थे और आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हर कहीं चर्चा का विषय था। कुछ लोग उसकी स्थायित्व पर भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज हम मेरे ख्याल से उस स्थिति में हैं कि आज हम मूल्यांकन कर सकते हैं, चीजों को ज्यादा अच्छे ढंग से देख सकते हैं, साफ सुथरे ढंग से देख सकते हैं, क्योंकि तब चीजें धुंधली थी, स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। और उसमें जूठन को देखना, क्योंकि आज हम जिस स्टेज में है, जिस जगह पर, जिस मुकाम पर है, वहां पर दलित साहित्य के बाद आदिवासी साहित्य भी आ गया, स्त्रीवादी साहित्य पहले से है, तो ये जो मुक्तिकामी आंदोलनों से जुड़ा हुआ साहित्य है इसको हम कैसे पढ़ें और जूठन को उसमें हम कहां पर पाते हैं। देखिए, एक जो मेथड मैंने समझने की कोशिश की कि जो मुक्तिकामी साहित्य आंदोलन है उनको पढ़ने की, उनके उनसे जुड़ी हुई किसी रचना को पढ़ने के लिए हमको एक तो ये समझना पड़ेगा कि उसको उसमें जो विजन है उसको हमको तलाशना पड़ेगा। क्योंकि शुरू में जब कोई आंदोलन आता है तो ठीक है, उसमें आक्रोश होता है, प्रतिरोध होता है और उसमें भिन्न स्वर होते हैं, लेकिन जो स्थायित्व जूठन जिसकी वजह से एक क्लासिक बनता चला जा रहा है, एक आत्मकथा है जो एक क्लासिक की तरह एक कालजयी कृति का रूप लेती चली जा रही है, उस जूठन को आज जब हम याद करते हैं तो आखिर उसके कालजयी होने के कारण क्या हैं, तो उसके मूल में उसका कृतित्व भी है, उसकी रचना ही है, उस रचना में वो बातें छिपी हुई हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो विजन को आप तलाशते हैं किसी चीज में, किसी रचना में, यानी हम में से ज्यादातर लोग इस व्यवस्था की आलोचना करते हैं, लेकिन हमारे पास में इस व्यवस्था के बदले विकल्प क्या है वो तलाशना बहुत जरूरी है। हम कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं, उस दुनिया में किसके लिए क्या जगह होगी, हम समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं या जिस तबके से हम जुड़े हुए हैं उसको ऊपर उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसी की सत्ता को हटाकर दूसरी सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो साहित्य में इस बात को हम कैसे समझे। हर व्यक्ति के पास में बहुत सारे अनुभव होते हैं, उन अनुभवों में से एक रचनाकार चयन करता है और कुछ कुछ अनुभवों का चयन करता है, चाहे वो आत्मकथा लिख रहा है या वो कहानी कविता किसी रूप, वो अंततः उसके अनुभव होते हैं, उन अनुभवों में से कुछ अनुभवों का चयन करता है, फिर उनकी पुनर्प्रस्तुति करता है, इसमें उसकी व्याख्या शामिल होती है, उसकी विचारधारा शामिल होती है, उसका विजन शामिल होता है। उस विजन को तलाशना बहुत जरूरी है कि किस आधार पर वो घटनाओं का चयन करता है, कैसे वो घटनाओं की प्रस्तुति करता है।
इस लिहाज से आप जूठन को पढ़ें और तो आप देखेंगे कि बहुत ही सजग है जूठन का रचनाकार। उसको अपना लक्ष्य स्पष्ट है कि उस वो किस लिए एक आत्मकथा की रचना कर रहा है। उसका लक्ष्य है कि पूरी दलित चेतना की प्रक्रिया को समझाना और एक उस व्यक्तित्व निर्माण के विभिन्न चरणों को पाठकों के समक्ष स्पष्ट करना। दलित साहित्य पहले के साहित्य की तरह जो कहा जाता था कि साहित्य स्वांत सुखाय होता है, स्वांत सुखाय नहीं है। धर्मनारायण यादव जी ने ठीक कहा एकदम कि वाल्मीकि जी ने भूमिका में ही स्पष्ट कर दिया कि मुझे फिर से उस पीड़ा से गुजरना पड़ा है जो मैंने भोगी अपने जीवन में, तो वो स्वांत सुखाय नहीं है, पीड़ा देने वाला है। लेकिन इसके बाद भी लक्ष्य स्पष्ट है कि ये एक बदलाव का साहित्य है, आंदोलन का साहित्य है, तो इसमें किन घटनाओं का चयन किया जाना चाहिए। तो सजग है रचनाकार। जैसे आप देखें कि एक दलित आंदोलनकर्ता के व्यक्तित्व निर्माण के 3-4 चरणों के माध्यम से पूरी आत्मकथा की संरचना बुनी हुई है। एक शिक्षा के लिए संघर्ष, एक बालक है जो बाकी दलित बालकों की तरह है लेकिन उसके पिता की जिद है कि वो बच्चे को पढ़ाएगा, तो पढ़ाई से जीवन बदलता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो नारा है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संघर्ष करो, शिक्षित बनना उसकी पहली शर्त है। शिक्षा के लिए संघर्ष जूठन की भी पहली आप पहला पड़ाव है, पहला चरण है उस चेतना के निर्माण। दूसरा, जब देहरादून आने के बाद में डॉक्टर अम्बेडकर से परिचय होता है, गांव से शहर का जो अलग माहौल है उससे व्यक्तित्व निर्माण का एक दूसरा उसमें दिखाई पड़ रहा है। तीसरा, जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर आगे बढ़ता है। चौथा, जब वो वहां पर रहते हुए आंदोलन की भूमि महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स के आंदोलन को बहुत करीब से देखते हैं और उसमें जो आंदोलन की राजनीतिक चेतना है और साहित्यिक चेतना है दोनों से न केवल उसमें भागीदार बनते हैं बल्कि वो दोनों से बहुत गहरे में प्रभावित होते हैं और उस चेतना को हिंदी क्षेत्र में अपने लेखन के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से लेकर जाते हैं और उनका एक रचनाकार व्यक्तित्व निर्मित होता है। इन 5 चरणों के आधार पर आप पूरी जूठन को समझना चाहें। रचनाकार सजग है क्योंकि उसका पाठक स्पष्ट है। तो हमारा टारगेट रीडर है, हमारा लक्ष्य पाठक है, तो वो पाठक है जो हमारे लिए बदलाव चाहता है। मुझे आ रही है सभी को कट कट की आवाज, क्या आप सुन पा रहे हैं? सर गंगा सर थोड़ी सी ब्लिंक कर रही है आवाज, लेकिन आप जारी रखिए। मुझे लगता है मेरी आवाज कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं, थोड़ी सी नेटवर्क में आपके प्रॉब्लम है, लेकिन आप जारी रखिए, समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। जी, आपके आवाज सही नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। जी जी, अच्छा आ रही है। हाँ जी, गंगा सर बोलिए। तो उसमें एक रचनाकार का क्लियर विजन है कि वो विभिन्न चरणों के माध्यम से दलित चेतना के निर्माण की कहानी को रचनाकार कहता है पूरी सजगता के साथ। लेकिन इसमें जो चीज मुझे आवाज नहीं सुन पा रहे आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे तो मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ, सिर्फ आवाज तो शायद जल्दी अच्छा है। नहीं सर, आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी, बीच में आई आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही सर, अब थोड़ा सा मुझे लगता है जी। हाँ, जब तक गंगा सर मीना सर हमारे साथ जुड़ते हैं, उनकी बातचीत पूरी होती है, मैं बजरंग बिहारी तिवारी सर के पास आना चाहती हूँ। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हम सब जानते हैं डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी जी दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक तो हैं, साथ ही साथ दलित साहित्य के आलोचना जगत में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप ढूंढ ढूंढ के दलित लेखक, अगली आवाज आ रही हो तो माफ कीजिए मैं बात कंप्लीट कर लूं। हाँ प्लीज, थोड़ा सा जी, सर गंगा सर की बात को पूरी होने दीजिए। जी जी, तो अब उसमें बहुत सारे लोगों ने दलित जीवन की कहानियां लिखी उस दौर में, मतलब आत्मकथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उपन्यास लिख रहे, कविताओं के माध्यम से दलित जीवन के अपने पीड़ाओं का बयान किया। लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से
दलित जीवन दलित चेतना के निर्माण के विभिन्न चरणों को सामने रखते हुए एक रचनाकार सजगता से सामने आया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में दो चीजें बहुत रिमार्केबल है। इस पूरी प्रक्रिया में रचनाकार अपने दलित समाज के प्रति कोई जैसे दलित समाज अच्छा अच्छा है, वहां पे सब कुछ है, रचनाकार एक स्पष्ट है। जब वो दलित पैंथर्स के आंदोलन कर रहा है तो वो बता रहा है कि दलित पैंथर्स की विफलता की वजह दलितों के भीतर का जातिवाद है, एक जातिवाद है जो जिसकी वजह से स्वयं दलित उत्पीड़ित हैं, एक दूसरा जातिवाद जो दलित आंदोलन को कमजोर रहा है, इसकी रचनाकार सजग है। रचनाकार अपना हेड नहीं आ रही आवाज, नहीं नहीं आवाज कट कट के आ रही है। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर ज्यादा विस्तार से बातचीत करें। ये जो आपका हेडफोन है, जोड़ने की कोशिश करता हूं, आप जारी रखिए। गंगा सर सुनिए, ये जो आपका हेडफोन है ना, जैसे ही आप ऐसे करके हिलते हैं मूवमेंट करते हैं तो वो उससे ब्लिंक हो रहा है। हाँ कोशिश कीजिएगा बोलने की सर। अभी आवाज ठीक आ रही है क्या? मैंने हेडफोन पटा दिया। हाँ जी बोलिए थोड़ा। हाँ आपने बातचीत जारी रखी यार। हाँ उसमें आज जब और भी मुक्ति कामी आंदोलन है और उसमें खासतौर पर बाद में नहीं आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज। आप एक काम कीजिए ना सर, मैं फिर से आपके पास आती हूँ, आप लीव करके दोबारा जाइए, तब तक हम बजट के ऊपर ले लेते हैं, लेकिन आप अपनी बातचीत पूरी करेंगे जहाँ पे आप अभी आप छोड़ के जा रहे हैं हमें, वहाँ पे दोबारा ज्वाइन कीजिए जी। बजरंग सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपको आपको परिचय देने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं मुझे, क्योंकि तमाम लोग जितने जुड़े हुए हैं और आपको फेसबुक पे जो लाइव देख रहे हैं सब जानते हैं कि बजरंग तिवारी जी प्रखर आलोचक हैं और खासकर दलित साहित्य की आलोचना के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप तमाम भारत के वो हैं जहाँ कहीं ना कहीं साहित्य और खासकर जब भी कोई एट्रोसिटी होती है फैक्ट फाइंडिंग टीम के माध्यम से आपका जो लेखन है वो बहुत बड़ी गति देता है दलित साहित्य को, मुझे इसमें मानने में कोई दो राय नहीं। सर मैं आपको से जानना चाहती हूँ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पूरे साहित्य को आप कैसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी साथ ही साथ कि साहित्य का आलोचना तो है ही, लेकिन तमाम व्यवहारिकता में जो लोक जगत जो हमारा है जो निर्णायक होता है बहुत बार हमारे मुद्दों को लेकर, हमारे व्यक्तित्व को लेकर, हमारे इवन की मरने के उपरांत भी, तो इन तमाम चीजों पर मैं सर आपसे चाहूंगी कि आप विस्तार से बोलो जी। आपका बहुत शुक्रिया कौशल जी जी। स्वच्छकार समाज की आवाज बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसकी जरूरत थी, इस मंच की जरूरत थी। मैं तो इस माध्यम पर बहुत सहज नहीं हूँ, आज आपने कहा तो ये लगा कि नहीं वाल्मीकि जी के साथ जिस तरह का रिश्ता था आना चाहिए, और मैं आपके सामने हूँ। सभी को जय भीम बोलता हूँ, बिमल जी को बहुत दिनों के बाद उनकी आवाज़ सुनी है, दामोदर मोर्य साहब को, गंगा साहब जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है अभी बीच में अधूरी रह गई है, डी एन यादव साहब ने आत्मकथा का क्या महत्व है, दलित आत्मकथा का क्या महत्व है उसको तो बहुत तरीके से पेश कर दिया है। मुझे लगता है कि जो दलित आलोचना की स्थिति है और जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपना योगदान दिया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। कुछ दिन पहले मैं दलित आलोचना पर एक सर्वेक्षणात्मक लेख लिख रहा था, तब मैंने इस बात को बहुत गहराई से महसूस किया। वाल्मीकि जी एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय थे, अपने थिएटर की बात की से पहले, और वो बहुत महत्वपूर्ण कहें कि उनका इलाका था, जो
मंच पर अपने को पेश करते थे, जिस तरह के नाटकों का चुनाव करते थे खेलने के लिए, चंद्रपुर में रहते हुए, आयुध फैक्ट्री में रहते हुए, जहाँ भी रहे वो एक एक माहौल बनाते थे। उनका जो पूरा लेखन है, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो आत्मकथा हो, वो असल में इस समाज की आलोचना है। तो एक अर्थ में आप समझिए कि ये जो लेखन है वो आलोचना विधा के अंतर्गत आएगा, वाल्मीकि जी का जो लेखन है। लेकिन 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 तकनीकी अर्थ में आलोचना ली जाती है, और उसमें उनकी मुख्य रूप से तीन किताबें, 2001 में दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, 2009 में मुख्यधारा और दलित साहित्य, और 2013 में दलित साहित्य अनुभव संघर्ष और यथार्थ, ये किताबें आईं। और इन किताबों से वाल्मीकि जी के संपूर्ण कहें कि जो आलोचना कर्म है उस पर बात की जाती है। वो जो उन्होंने काम किया था शिमला में एडवांस स्टडीज में, वो भी एक मतलब दलित कविता को लेकर के वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। लेकिन लेकिन मैं उसकी अभी उसकी बात नहीं करूंगा इस बार, अगली बार उस पर देखेंगे। ये जो जो तीन किताबें हैं ये क्या काम करती हैं? दलित आलोचना ओम प्रकाश वाल्मीकि के समय तक बन रही थी, बनी नहीं थी, उसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। वो जरूरत उन्होंने महसूस की, शिद्दत से महसूस की, और उस खालीपन को भरने का बड़ा बढ़िया उद्यम किया, बहुत बढ़िया प्रयास किया। शरण कुमार लिम्बाले की किताब आ चुकी थी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, उसकी चर्चा थी, वो खुद मराठी से जुड़े हुए थे। उन्होंने जो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखा, असल में वो उनकी मुकम्मल आलोचना पुस्तक है, क्योंकि बाकी जो किताबें आई हैं वो लेखों के, आलोचनात्मक लेखों के संग्रह। लेकिन वो किताब तो मुकम्मल मतलब किताब के रूप में ही लिखी गई है, थोड़ी जल्दबाजी में लिखी गई है, थोड़ी शीघ्रता में है, इसलिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर डेढ़ पेज में, दो पेज में काम कर लिया गया है। लेकिन लेकिन उनको लग रहा था कि एक एक इस गैप को भरा जाना चाहिए, हमारी बात डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो एक सौंदर्य शास्त्र वाला जो काम उन्होंने किया वो ये। फिर उसके बाद में मुख्यधारा और दलित साहित्य जब लिखा, जिसमें मैंने कहा कि वो हम देखें कि लिख क्यों रहे थे आलोचना, आलोचना लिख रहे थे उसके दो बड़े कारण थे। एक तो यह कि अभी तक का जो साहित्यिक विकास है हिंदी का, हिंदी में अभी तक जो भी लिखा गया है, एक दलित रचनाकार, एक दलित लेखक उसकी किस तरह से मीमांसा करेगा, उसकी किस तरह से समीक्षा करेगा, दलित पर्सपेक्टिव क्या है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, दलित साहित्य का दृष्टिकोण क्या है अभी तक के का जो भी कहें कि लेखा जोखा हुआ है उसके बारे में, मतलब साहित्य का जो मूल्यांकन हुआ है उसका कैसे मूल्यांकन करेगा, ये एक तो पहली चीज। दूसरी चीज कि खुद दलित साहित्य का पक्ष आलोचक के रूप में कौन रखेगा। तब तक कुछ लोग ये काम कर रहे थे, और उनके काम की सीमाएं भी, उनके काम की ताकत भी सामने आई थी। लेकिन दलित रचनाकार एक एक शुरुआत थी, तो कुछ लोग रचनाकार भी थे और आलोचना में आ रहे थे,
कमल भारती जी हों, धर्मवीर जी हों, लेकिन बाद में ये सब मतलब आलोचना में ही चले गए। तो वो व्यक्ति जो रचनाकार भी है, लेकिन उन रचनाओं का की जो अंतर वस्तु है, उसका जो महत्व है, उसका जो उसके जो फंक्शंस हैं, उसको खोलना है। उसको खोलने के लिए उसे आलोचना में आना पड़ता है, आलोचना लिखनी पड़ती है। दलित साहित्य की अपनी ही रचना प्रक्रिया को उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया है, अपनी ही कविताओं के मर्म को उन्होंने खोला है, क्योंकि ये काम और कोई कर नहीं रहा था। एक तो शुरुआती दौर है, तो या तो करेगा तो इस तरह की चूकें हो रही थी जिसमें मूल बात को पकड़े बगैर किसी और कहें कि तरफ से हमला होता है, उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है, उसका विकृतिकरण होता है, तो वो चीज़ उनको लगी कि नहीं ये एक तो मतलब पारंपरिक साहित्य की समीक्षा और दलित साहित्य की प्रस्तुति, ये दो बड़े दायित्व थे, बड़े कार्यभार थे जो वाल्मीकि जी ने निभाए आलोचना के माध्यम से, इन तीन पुस्तकों के माध्यम से। जो उनकी ये पुस्तक है मुख्यधारा और दलित साहित्य, उसमें वो बहुत विस्तार से उन लोगों का जिक्र करते हैं जो अपने लेखन में दलित साहित्य को, दलित जीवन को, साहित्य छोड़ दीजिए, दलित जीवन को स्पर्श करते हैं, दलित जीवन को उठाते हैं, जिसमें प्रेमचंद एक बड़ा नाम है। अब ये देखें, उन्होंने नागार्जुन पर भी लिखा, उन्होंने निराला पर भी टिप्पणी की, उन्होंने बाकी लोगों पर जिन्होंने भी कुछ कहा है दलित जीवन के बारे में, उन सब पर। और ये बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अपने स्वभाव में कई बार बड़े अग्रेसिव दिखते थे, कई बार बहुत जल्दी ही गुस्से में आ जाते थे, लेकिन जब आलोचना लिखने बैठते हैं तो वो विवेचना करते हैं, तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकालते, दोनों पक्ष रखते हैं। प्रेमचंद पर उन्होंने बार बार लिखा है, दोनों किताबों में प्रेमचंद हैं, और कई कहें कि कई पहली किताब में मुख्यधारा वाले में तो दो अध्याय हैं प्रेमचंद पर, और दूसरी जो किताब है दलित अनुभव संघर्ष और यथार्थ, उसमें प्रेमचंद पर चार अध्याय हैं, पूरा पूरा एक खाना ही प्रेमचंद के नाम पर है, उसके बाद में नागार्जुन पर एक। तो प्रेमचंद को जब लेते हैं, जिस करके लेखन चल रहा था, या तो सिरे से खारिज कर देना या नोटिस ना लेना, तो ये इन दोनों से बचते हुए मतलब एक संतुलित दलित आलोचना जो संपूर्ण स्वीकार या संपूर्ण नकार के बीच मध्य मार्ग अपनाती है, कि जो ताकत है उस लेखक की, यानी कि प्रेमचंद की जो ताकत है उसको सामने लाना, और प्रेमचंद की जो सीमाएं हैं, एक नहीं कई कई उन्होंने विकट सीमाओं का रेखांकन किया है, उस पर उंगली रखी है कि देखिए प्रेमचंद यहाँ पर चूके हैं। ये करते हुए इतनी मतलब इतना प्रिसाइज कमेंट करते हुए फिर प्रेमचंद को खारिज करने वाला कोई कहे कि उनके भीतर वो चीज़ नहीं आती कि नहीं नहीं वो तो चूंकि उनकी आँख नीली है इसलिए वो हमारे नहीं हो सकते, इस तरह की उनको वो नहीं होती, इल्हाम नहीं होता। ये बहुत मतलब बहुत मार्के की बात है, और समझिए कि अभी तक वो दलित आलोचना में ये किताबें शिखर पुस्तकें हैं। अभी तक ऐसी किताबों मतलब ये इन किताबों का कोई कहे कि विकल्प नहीं है, इस तरह का जो संतुलन है, इस तरह की जो दृढ़ता है, दृढ़ता के साथ साथ में सहानुभूति है कि भाई आपने दो कदम चलने का काम किया है। और जो उनकी कहानियों में दिखता है वो उनकी आलोचना का चला, कहानी में वो कमल को क्यों ले आते हैं हरीश के साथ, इसीलिए कि रही दो कदम आप चल करके देखिए तो सही हमारे, उसके बाद में लौट आइएगा, लौटना तो है क्योंकि वहां तक मंजिल तक तो जा नहीं सकते। वो यहाँ पर भी करते हैं कि अगर कोई कथाकार, कोई कवि
हरिजन गाथा पर लिखा, उसकी उसकी सीमाएं उजागर कर दी। लेकिन अगर अगर किसी ने आगे बढ़ करके ये काम किया है, उसको उभारना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको समझने का जतन करना, ये वो काम करते हैं। ये एक चीज जो 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 बाकी लोगों के यहाँ बहुत कम दिखाई थी। परंपरा का मूल्यांकन करते हुए उन दिनों जिस तरह से जो बात की जा रही थी कि संत साहित्य दलित साहित्य, तो एक प्रतिक्रिया में आकर के एक तरह से कहें कि उसका जवाब देते, प्रत्याख्यान करते हुए उन्होंने संत साहित्य की समीक्षा की और कहा कि संत साहित्य हमारे पढ़ने की चीज तो है, संत साहित्य से हम बहुत कुछ सीख तो सकते हैं, लेकिन वो हमारा आदर्श नहीं है। यद्यपि वे लोग इसी समुदाय के हैं, लेकिन जिस महोदय में बात करते हैं उनके यहाँ जो धार्मिकता है, उनके यहाँ जो आध्यात्मिकता है, वो दलित साहित्य के काम की नहीं। एक जो सच्चा अंबेडकरवादी है, अंबेडकरी लेखक है, वो यहाँ सर आपकी आवाज बजरंग जी की आवाज कट रही है थोड़ा, उनका जो तो स्पीकर है, स्पीकर है वो बार बार हिल रहा है, वो हिलने से होती है फटती है फिर आवाज सर। जी जी हाँ, कुछ दिक्कत हो रही है या नहीं, अभी आवाज सही हुई नहीं? हाँ जी जी बोलिए सर। अभी तो अपनी आवाज अच्छी नहीं आ रही है लगता है सर, आवाज बीच में चली गई। हेलो, हाँ जी सर, हाँ हेलो, हाँ बहुत है इसमें, पता नहीं कैसे, मुझे लगता है सर आपको ना लीव करके दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, तब शायद ठीक आ जाए आवाज। हाँ ठीक है, वही करता हूँ। प्रोफेसर राजेश पासवान जी है हमारे साथ जुड़े हुए, आप जेएनयू में हिंदी विभाग में हैं और लगातार साहित्य पर और समसामयिक दृष्टि रखते हैं मुद्दों पर, और खासकर जो दिल्ली विश्वविद्यालय हो या तमाम देश के शिक्षण संस्थान हो, रोस्टर के मुद्दे पर आपका बहुत बड़ा योगदान हम सब देखते हैं। पिछले दिनों जैसे कि प्रमोशन में आरक्षण की चर्चा हो या हमारे सामने दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस तरीके से पॉइंट सिस्टम को लेकर जो हंगर स्ट्राइक चला दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पर, उसमें भी आपकी लगातार उपस्थिति दर्ज रही, तो मुझे लगता है कि साहित्य शिक्षण के साथ साथ आप सामाजिक आंदोलनों में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करते हैं। और आप सबके लिए एक बात बता दूं मैं कि कैसे दलित आंदोलन उद्योग की तरफ जाए और आर्थिक संपन्नता में या आर्थिक भागीदारी में भी उसकी हिस्सेदारी हो। हम सब जानते हैं भोपाल का जो घोषणा पत्र था और रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर में प्रोफेसर थोराट का पूरा एक कंट्रीब्यूशन रहा, तमाम मुद्दों पर आपकी सर पैनी नजर रहती है। आज आपके साथ जो हम चर्चा करना चाहते हैं वो यही गंगा साई मीणा जी जिस चर्चा में नेटवर्क की वजह से हमारे बीच में से अभी तक ज्वाइन नहीं किया, उनके पास दोबारा हम जाते हैं। बजरंग तिवारी जी आलोचना पे बात कर रहे थे, उनको भी हमारे नेटवर्क की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई। राजेश सर, मैं आपसे भी वही सवाल जानना चाहती हूँ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकथा थी लोक व्यवहार में, उसको आप कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया कौशल जी, थैंक यू। मतलब इस बेहतरीन अवसर पर और ओम प्रकाश वाल्मीकि सर के जन्मदिन के अवसर पर इस आयोजन की संकल्पना की, उसके लिए हम सब लोग शुक्रगुजार हैं। मैं प्रोफेसर विमल थोरात मैडम को भी जय भीम कहना चाहूँगा, वो भी एक हमों के गार्जियन की तरह हैं। बड़े भाई बजरंग जी, गंगा सहाय जी, दामोदर मोरे सर, डी एन यादव जी, सबको अभिवादन। आपने सभी बातें बताई, एक बात और मैं बताना चाहूँगा
97 में ओम प्रकाश वाल्मीकि सर की जूठन आत्मकथा आई थी, मैं उसमें एमए जस्ट किया हुआ था और मैंने एमफिल में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन पे ही एमफिल को अपना विषय बनाया था। दलित आत्मा व्यक्ति और जूठन ये विषय लिया था मैंने और प्रोफेसर मैनेजर पांडे सर के कुशल दिशा निर्देशन में वह एमफिल कार्य संपन्न हुआ, 99 में सबमिट हुआ था वो, उसके बारे में भी बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका जो एक टैगलाइन है स्वच्छकार समाज की आवाज, इसके बारे में मैं सुबह से ही सोच रहा था कि इसके बारे में कुछ बातचीत की जाएगी। देखिए स्वच्छकार जो शब्द है, मेरी तरफ से थोड़ा सा आप ये अनुरोध भी कर दीजिए कि हमारे चैनल को लगातार जो देख रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती जी। जरूर जरूर, और मैं यही सोच रहा था, देखिए स्वच्छकार का काम क्या है, वो स्वच्छता लेके आता है, स्वच्छता निर्धारित करता है, स्वच्छता बनाता है, माहौल को स्वच्छ बनाता है। स्वच्छ तब बनाता है जब उससे पहले कोई गंदा कर चुका होता है, कोई वहाँ पे कूड़ा कचरा डाल चुका होता है, या कोई वहाँ पे ऐसे ऐसे वातावरण बना दिया होता है जहाँ पे सफाई की जरूरत पड़ती है। यह जो स्वच्छकार समाज की आवाज है, ये कहीं ना कहीं दलित बहुजन चेतना की भी आवाज है, क्योंकि इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में इतना सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है कि जिसको नए सिरे से सफाई के नए सिरे से स्वच्छता अभियान चलाने की जरूरत है। वह स्वच्छता अभियान सफाई के बाद झाड़ू लगा करके सेल्फी खिंचवाने वाली नहीं है, बल्कि सही अर्थों में स्वच्छता की जरूरत है। स्वच्छता इसलिए भी जरूरी है कि जो अपने आप को मानते रहे कि सबसे बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने इस देश के करोड़ों अरबों समाज, दलित समाज को शिक्षा से वंचित रखा। जो ये मानते रहे कि बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ी शक्ति के वाहक हैं वो, उनकी वजह से, उनकी अकर्मण्यता के कारण देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा। और जो मानते रहे कि अर्थव्यवस्था बहुत चलाते हैं, बहुत व्यापार चलाते हैं, उनके कारण और उनके मतलब क्या कहते हैं कि उनकी गलत नीतियों के कारण किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, तो ये जो सामाजिक संकीर्णताएं और ज्ञान और शिक्षा और शस्त्र और संपत्ति के क्षेत्र में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है, एक अलग किस्म से भोजपुरी में कहावत है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सनहा की टोपी पहन के घूमते हैं, कुछ करते धरते नहीं, लेकिन हमेशा श्रेय लेके चलते हैं कि वही सबसे बड़े नियंता है, वही सबसे बड़े ज्ञानी है, वही सबसे बड़े शक्तिशाली है, वही सबसे बड़े उद्योग जगत के बहुत बड़े स्वामी है। तो ये और यथास्थिति कुछ और होती है। इन सबके बरक्स एक ऐसे मुहिम की जरूरत है, और वह मुहिम स्वच्छकार समाज की आवाज के माध्यम से व्यक्त होगी, जो ये चिन्हित करेगी कि ज्ञान के बीच के कितने फांक हैं, तथा कथित शक्तिशाली होने के बीच कितने फांक हैं, उद्यमिता के बीच के कितने फांक हैं, और यह जो दुर्व्यवस्था है आज के समाज की, जो कूड़ा कचरा फैल गया है पूरे वातावरण में, उस दुर्वस्था को दूर करने के लिए स्वच्छकार समाज की आवाज को, इसके कह सकते हैं कि इसके समर्थकों को, इनके अनुयायियों को जरूरत है इस बात को काम करने के लिए। अपनी बात मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन के प्रसंग में कहना चाहूंगा। जैसा मैंने बताया कि 1997 में किताब आई थी और उसके बाद उसको पढ़ा गया और जेएनयू में कार्यक्रम हुआ था, उसमें प्रोफेसर रामचंद्र सर, राजकुमार सर और बजरंग बिहारी सर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। साबरमती हॉस्टल में लगभग एक अघोषित सा उसका विमोचन कार्यक्रम हुआ था उस जूठन किताब का। प्रोफेसर मैनेजर पांडे सर उसमें प्रमुख वक्ता थे, भुवास वाल्मीकि सर, और उस किताब की धीरे धीरे फिर चर्चा हुई। जैसा आपने भी बताया कि कई भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ, बहुत ही लोकप्रिय किताब हुई वो। एमफिल करने के दरमियान मतलब कई बार हम लोगों ने महसूस किया कि 97-99 के दरमियान और उसके बाद में जब हम कहीं इंटरव्यू देने जाते थे लेक्चरशिप के लिए, तो आज जो लोग अपने आप को दलित साहित्य के बहुत बड़े खैरख्वाह मान रहे हैं, बहुत बड़े झंडा बरदार मान रहे हैं, वो उस समय मजाक उड़ाते थे। उस समय दलित साहित्य का नाम सुन करके और जूठन का और आत्मकथाओं का नाम सुन करके और इस तरह से मजाकिया लहजे में बात करते थे कि पता नहीं कौन सी चीज आ गई। लेकिन 15-20 वर्षों में हम लोग देखे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने को बदला है और किस तरह से वो कह सकते हैं कि अपना केचुल छोड़ करके और नया कलेवर में आ गए हैं। ये एक उसको नोटिस लेने लायक चीजें हैं। लेकिन अक्सर उस इंटरव्यू के दरमियान जब एक बात आती थी, लोग पूछते कि आजकल जिसे देखो आत्मकथा लिख रहा है। उस समय मात्र दो आत्मकथाएं आई हुई थी हिंदी में,
अपने अपने पिंजरे मोहनदास ने मिसराया की और जूठन, और बाकी कुछ दिनों बाद जो दोहरा अभिशाप नाम से तीसरी आत्मकथा आई थी सुरासन बेचैन सर उसमें अपनी आत्मकथा लिख रहे थे, अलग अलग भाग में आ रही थी, तो आत्मकथाएं लिखी जा रही थी। और उसके बाद भी जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है, तथाकथित है वो मुख्य धारा का नहीं है, उसमें भी एक बेचैनी सी होने लगी थी, एक आत्मकथाओं के प्रति नकारात्मक भाव। और इस तरह से एक उसमें इंटरव्यू आया था जिसमें लोगों ने कहा था एक प्रमुख साहित्यकार ने कि ये आत्मकथाएं ऐसे लगता है जैसे टोटेम्स हैं, कुछ ऐसे मुहावरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं सभी आत्मकथाओं में कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना और अलग तरीके का जीवन और जूठन और कई सारी चीजें जो लगातार इस्तेमाल करती जा रही हैं। और उन जो एक व्यंग्यात्मक तरीके से उनके लेखकों को, उनके पाठकों को, उनके काम करने वालों को साथ बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से व्यवहार किया जाता था, खैर ये सब देख के महसूस हुआ कि जिस आदमी हम तो पाठक हैं लेकिन जिसने लिखा होगा, जिसने भोगा, उसने कितनी बड़ी पीड़ा महसूस की होगी। मित्र धर्म नारायण जी ने बहुत बेबाकी से अपनी बात बताई कि किस तरह से एक भोक्ता समाज जिसने महसूस किया है, जिसने उसको भोगा है, उसको उन्होंने लिखा है और लिखने के बाद क्या किस तरह की स्थितियां अपने आसपास महसूस करता है इन सब चीजों को, तो ये सारी परिस्थितियां थी। उन्हीं दरमियान एमफिल के दरमियान ही एक मैंने चैप्टर लिखा था कि लोग पूछते थे कि आत्मकथा लिखने की जरूरत ही क्या है, तो उसमें मैंने चैप्टर ही रखा था आत्मकथाओं की जरूरत, दलित आत्मकथाओं की जरूरत क्या है। कई बार बहुत मुश्किल होता है किसी साहित्यिक विधा की जरूरत को जस्टिफाई करना, लोग समझते हैं कि ये तो कविता कहानी वाली चीज है, शब्दों की शाब्दिक कलाबाजी की चीज है, कुछ इधर लिख दीजिए कुछ उधर लिख दीजिए, उसमें क्या बनने वाला है। लेकिन ये हमने महसूस किया कि दलित साहित्य, खासकर दलित आत्मकथाएं, ये सिर्फ कुछ शब्दों का एक वाकजाल नहीं है, ये घटनाओं की पुनरावृत्ति है, एक समाज की तस्वीर है, वो सिर्फ आत्मकथाएं नहीं है। और जिसका जिक्र धर्मनारायण जी ने किया कि ये पूरी तरह से एक दलित समाज की कथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कथा नहीं थी सिर्फ, वो जो दलित समाज था जो रहता था उस परिवेश में उसकी कथा थी, और उसकी कथा उससे अलग नहीं थी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने महसूस किया। लगभग उस समय का पूरा परिवेश महसूस करता था उसी तरह की वंचना को, विद्यालयों में उसी तरह के अपमान महसूस कर रहा था वो, गाँव में उस तरह के अपमान महसूस कर रहा था, गाँव के रीति रिवाजों में उस तरह से अपनी बहिष्कार की चेतना महसूस कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं वो एक दलित व्यक्ति की कथा नहीं थी, ये हमने महसूस किया कि आत्मकथाएं जो है दलित समाज की कथा है, और वह पूरा दलित समाज उन आत्मकथाओं में उभर के आया है, ये एक बहुत बड़ी जरूरत उसकी सिद्ध करती थी। दूसरी जरूरत जो मैंने महसूस की अपने अध्ययन के दरमियान, उस समय कह सकते हैं कि बहुत आलोचना के स्तर पर भी बहुत चीजें कम मौजूद थी, आत्मकथाओं भी बहुत कम आई थी, लेकिन जो भी कमतर निष्कर्ष उसमें साबित हुए उसके आधार पर कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा, अगले राउंड में और बातें कहेंगे। तो एक हमने एक और महसूस किया जरूरत उसकी कि ये जो है आत्मकथाएं कहीं ना कहीं दलित इतिहास बनाने का भी काम कर रही है। आप देखिएगा दलितों के पास लिखित रूप में इतिहास नहीं होता है, मौखिक इतिहास, मौखिक जो अपने पूर्वजों से, अपने दादा परदादा से, उनके दादा से अपनी वेदना की कहानियां कहते आए थे, उनकी वेदना को लिखने की कभी कोशिश, लिपिबद्ध करने की कोशिश कभी नहीं हुई थी, एक कह सकते हैं कि सचेत प्रयास रूप में उस तरह से नहीं हुई थी। उस तरह का सचेत प्रयास आपको दलित आत्मकथाओं में मिलेगा, और वो आत्मकथाएं कहीं ना कहीं मेरी नजर में वो एक शिलालेख की तरह होती हैं जो आने वाले दलित समाज की भविष्य को बताती हैं कि उसका अतीत कैसा था, किस तरह की वंचनाएं, किस तरह की विडंबनाएं उस समय महसूस की गई थी। तीसरी जो खासियत थी आत्मकथाओं की, वो मैंने महसूस किया कि आत्मकथाएं जो हैं वह पूरे दलित साहित्य की एक तरह से पूर्व पीठिका तैयार कर रही हैं, उसकी मजबूत नींव तैयार कर रही हैं। दलित साहित्य में, दलित कहानी में, दलित कविता में वो दलित वेदना ही तो व्यक्त होकर आ रही थी, लेकिन अगर कोई कविता लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई निबंध लिखता है, तो कोई ये कह सकता है कि ये इनके अपनी शाब्दिक कलाबाजी है, इसका जीवन की हकीकत से कोई विशेष संबंध नहीं है। और आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग, मतलब बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कभी कोई दुख महसूस नहीं किया होगा, लेकिन
उनके पास बढ़िया शब्दावली है, उनके पास बढ़िया संसाधन है, बढ़िया प्रकाशक हैं, बहुत सारे गोल मटोल शब्द उनके पास हैं, एक बहुत बड़ा उनके पास एक हुआ हुआ का ग्रुप है जो कि उनको महान साबित करने में लगा रहता है और वे महान कवि बने रहते हैं। तो सिर्फ शाब्दिक कलाबाजी के सहारे ही रचनाएं नहीं लिखी जाती, बल्कि रचनाएं जीवन अनुभवों का भी जीवंत दस्तावेज होती है। दलित आत्मकथाओं ने ये बनाया, ये बताया हम सबको कि जो दलित कविता में लिखा जा रहा है कि खेत ठाकुर का और जमीन ठाकुर की और कुआं ठाकुर का, तो यह हकीकत है जो दलित आत्मकथाओं में व्यक्त होके आ रही है चीजें। तो जो कहानियों में लिखी जा रही थी, जो कविताओं में लिखी जा रही थी, उस तरह की सच्चाइयां दलित आत्मकथाएं बयान कर रही थी, इन सच्चाइयों का बयान करने वाला मौजूद था, जिसके बारे में लिख रहा था वो मौजूद था, जिस समय का वर्णन कर रहा था वो मौजूद था। तो ये एक प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में दलित आत्मकथाएं काम कर रही थी, और ये उसके बाद कि कई सारे लोगों ने इसको और कंटिन्यू किया है। इस प्रक्रिया में हम और भी बातचीत करेंगे दूसरे दौर के, जब बातचीत होगी तो और बातचीत करेंगे, और फिर हम फिर से मैं माइक आपको देता हूं। मैं गंगा सर मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आप अपनी बात को शुरू करें वहीं से जहां से आपने छोड़ा है। उससे पहले महेश वर्मा जी लिख रहे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जीवन और उनकी लेखनी सामाजिक यथार्थ का आईना दिखाती है। जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी बात कहाँ तक सुनाई पड़ी थी। मैं बता दूंगी आपको, पहले आपके लिए ये प्रश्न भी साथ में है ताकि आप इसको भी समेट लें। कौन सा प्रश्न जी? मैं बोल रही हूँ, वो प्रश्न मैं बोल रही हूँ, आप दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैं असल में प्रश्न नहीं है, महेश वर्मा जी टिप्पणी कर रहे हैं एक तरह से। और ये क्योंकि आपने अपनी जब झूठन का मैंने आपसे जानना चाहा था कि लोक व्यवहारिकता में झूठन को आप कैसे देखते हैं, उसमें ही महेश वर्मा जी मुझे लगता है जहां तक मेरी जानकारी है उसी को जोड़ रहे हैं। तो आप उसके ऊपर बात करें तो आपको याद भी आ जाएगा कि हमारी बातचीत कहां से छूटी थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जीवन और उनकी लेखनी सामाजिक यथार्थ का आईना दिखाती है। उनकी आत्मकथा झूठन दलित समाज के दंश, पीड़ा और वंचनाओं को दिखाती है कि किस तरह से दलित भारत में रहा है और उनको समाज के केंद्र बिंदु से विमुख कर अस्वीकार कर दिया जाता है। आज दलित अपनी सामाजिक स्वीकार्यता के लिए सामाजिक आंदोलन कर रहा है, लेकिन निष्ठुर और असमानतावादी सवर्ण समाज कभी दलितों को सामाजिक स्तर पर स्वीकार नहीं कर पा रहा है। यह उसकी सदियों से मानसिक विकार का एक बड़ा कारण है। आपने जहां से चर्चा छोड़ी थी सर, मैं आपको जस्ट जेंटल रिमाइंडर कि जातियों के अंदर का जो जातिवाद है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कहानी अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि मैं तो संस्कृत की विद्यार्थी हूँ लेकिन दलित साहित्य को थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती हूँ, जानती हूँ, जो अपर्याप्त मैं समझती हूँ और मैं अधिकार भी उस तरीके से नहीं अधिकारी मानती उसका, लेकिन उनकी कहानी का एक बहुत एक उस पे चर्चा हुई थी कफन कहानी को लेकर। बातचीत आप कर रहे थे कि जातियों के अंदर का जातिवाद, यहाँ से आप बातचीत करें। और बजरंग तिवारी बिहारी जी की बातचीत भी आपके बाद छुट्टी थी उनकी, उनको भी मैं कहूंगी कि ये जो आलोचना है इसको आप कैसे देखते हैं। आपके पास सर, क्योंकि आपका आधा टाइम उसमें जा चुका था, अभी आपके पास 2-3 मिनट है जी। मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा। दरअसल मैं कह रहा हूँ कि अब झूठन को प्रकाशित हुए 23 वर्ष हो गए, अब मूल्यांकन के लिए हमारे पास में एक बेहतर समय है, क्योंकि जब कोई रचना आती है तो हम भावावेश में तात्कालिकता में कुछ बातें कहते हैं, लेकिन झूठन धीरे धीरे कालजयी कृति में तब्दील हो रहा है। उसकी मैं वजह बता रहा था कि झूठन दलित चेतना के निर्माण की कहानी को अच्छे से समझाती हैं, कैसे शिक्षा के लिए संघर्ष करना होता है। सर आपकी आवाज आ रही है, एकदम क्लियर है जी। ये कहीं से कोई वीडियो? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, मेरी आवाज ठीक आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम, वीडियो भी ठीक आ रही है और आवाज भी बिल्कुल क्लियर है। हाँ माफ करिए। तो दलित चेतना के निर्माण की कहानी को झूठन बहुत अच्छे से समझाती है, और एक रचनाकार सजग होता है लिखते वक्त कि कौन सी बातों के बारे में लिखना है, किन के बारे में नहीं लिखना है। अनुभव
चयन, पुनर्प्रस्तुति, व्याख्या, विचारधारा, इन सब के बाद जो कृति का निर्माण होता है उसमें लेखक का विजन होता है, और उस विजन में जूठन का रचनाकार स्पष्ट है कि उसको दलित चेतना के निर्माण की कहानी कहनी है, क्योंकि उसके लक्ष्य पाठक वो जानना चाहते हैं, जैसे स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते हुए जूठन का रचनाकार खुद को नई चेतना से लैस पाता है, ऐसे जूठन के पाठक भी जूठन पढ़ते हुए एक नई चेतना से उस चेतना के निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। जो महत्व की मैं बात कर रहा था कि अक्सर हम जब अस्मितावादी लेखन में होते हैं तो हम हमारी मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, हमारी बहुत सारी अस्मिताएं हैं, मसलन जैसे मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं एक शेड्यूल ट्राइब हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसमें से सुविधा के लिए जिसमें हम उत्पीड़ित हैं उस अस्मिता का चयन कर लेते हैं, बाकी अस्मिताओं के बारे में हम अक्सर उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें हम असहज स्थिति में हो सकते हैं। जूठन का रचनाकार इस बात को लेकर सजग है और ये उसका विजन है, क्योंकि आपका अगर विजन व्यापक होगा, आपकी समझदारी व्यापक होगी, तो उससे पता चलता है कि आप किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। एक प्रसंग है उसमें, एक महिला है, जब वो कहीं पास के शहर में रात में रुकता है तो एक महिला है, एक पुरुष है, अंदर महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जूठन का रचनाकार उस महिला की जाति पता करने की कोशिश नहीं करता, उसको एक महिला के तौर पर कि किन परिस्थितियों में वो महिला वहाँ पर होगी इस पर विचार करता है। जो ये टिप्पणियाँ बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो समाज निर्मित करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में दलित स्त्रीवाद आता है, बाद में आदिवासी लेखन आता है, फेमिनिज्म पहले से है, तो दूसरे उत्पीड़ित तबकों के प्रति आपका नजरिया आपके विजन को स्पष्ट करता है। साथ में जो उत्पीड़ित नहीं है तथाकथित रूप जैसे सवर्ण है, तो सवर्णों के प्रति क्या जो आपका विजन, जो आप काल्पनिक आपकी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बदले उस व्यवस्था में सवर्ण रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो लेखक जब भी कोई प्रसंग आता है अपने अध्यापकों के बारे में या प्रगतिशील दूसरे सवर्णों के बारे में, उसके प्रति बहुत संवेदनशील है, उन सब के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है अपनी आत्मकथा के उन प्रसंगों के माध्यम से। ओम प्रकाश वाल्मीकि चाहते तो उन प्रसंगों को हटा सकते थे, उससे जूठन की सेहत पर बहुत असर नहीं पड़ता, लेकिन उस विजन को समझने में, उसके मूल्यांकन में आज हम देखें कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, वास्तव में एक हम समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, और उसमें हम अपनी आत्मालोचना भी साथ में करते चलेंगे। आत्मालोचना एक दलित पैंथर्स के आंदोलन के बारे में जब बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि दलितों के भीतर का जो जातिवाद है वो दलित पैंथर्स आंदोलन की विफलता की एक बहुत बड़ी वजह है, इसको वो रेखांकित करते हैं। ये कहने का साहस उस वक्त में जबकि लोग दलित साहित्य को एक अलग नजरिए से देख रहे थे, उसके या तो बहुत समर्थन में थे या बहुत खिलाफ थे, ऐसे में सजगतापूर्ण पूर्वक इस तरह के सवालों को उठाना, फिर दलितों के भीतर के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, जो एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि भाई जो समाज के वंचित जातियां हैं, वंचित तबके हैं, वो ऊंची जातियों जैसे आचरण करने लगते हैं और खुद को बाद में ऊंचा क्लेम करने लगते हैं। तो जो सरनेम बदलने की बात है उस पर आखिर में खास तौर पर उन्होंने जोर दे करके कहा है कि ये हीनता बोध की बात है, अगर आप सरनेम बदलते हैं और आप ये समझते हैं कि आप सरनेम बदल देंगे तो उससे जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इस तरह की बेबाकी जूठन के लेखक के अंदर है और इसी वजह से शायद जूठन एक कालजयी कृति साबित हुई। और आज जब हम चीज़ों को देख रहे हैं तो हमारे पास में आदिवासी साहित्य भी है और इसलिए हमको एक ब्रॉडर विजन की जरूरत है, एक बड़े हमको विजन की जरूरत है जिसमें सभी उत्पीड़ित तबके तो साथ में रह सके, बाकी लोग भी साथ में रह सके, और हमको एक अल्टीमेटली अंततः हमको एक समता मूलक समाज बनाना है। तो इस समता मूलक समाज को बनाने की प्रक्रिया जूठन से निकल करके आती है और जूठन एक केंद्रीय रचना है और उनकी कहानियों में आप अगर कहानियों का अध्ययन करें तो बहुत दिलचस्प चीज आएंगे कि बहुत सारे प्रसंग आत्मकथा में पात्रों के नाम बदल दिए हैं, आत्मकथा में वो प्रसंग है उनको कहानियों में दूसरे ढंग से थोड़ा प्रस्तुत किया गया है, वो सारे प्रसंग बेसिकली उनके जीवन से ही जुड़े हुए प्रसंग है। इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जो मैंने जहां से बात शुरू की थी कि आज हूल दिवस है, तो मेरे ख्याल से एक ऐसे संवाद के बिंदु के रूप में हमारे सामने है जिसके माध्यम से मुक्ति का एक नया रास्ता निकलेगा। बहुत खूब गंगा सर, बहुत खूब आपने बहुत अच्छे से थोड़े समय में बहुत सारी चीजों को समेटा। मैं अब लास्ट हमारे पैनलिस्ट एक तरह से डॉक्टर बजरंग तिवारी जी आपके पास सर दोबारा फिर आना चाह रही हूँ, उससे पहले एक सवाल और ले लेती हूँ क्योंकि समय
भागा जा रहा है। एक सवाल को मैं पहले ले चुकी हूँ गंगा सर के साथ, आपसे आपकी बातचीत ताकि पूरी हो उससे पहले कुंदन यादव जी जो हमारे गंगा सर मीना सर के मेरे ख्याल से बैचमेट भी रहे होंगे, हमारे सीनियर है कुंदन जी, तो जी कुंदन यादव जी प्रश्न भी कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि बजरंग तिवारी जी इस प्रश्न को भी समेटे और हमारे साथ युवा लेखिका सोनकर जी साथ में है प्रियंका, मैं चाहूंगी कि बजरंग तिवारी जी के साथ कुंदन यादव जो सवाल पूछ रहे हैं एक युवा लेखिका होने के नाते आपसे भी मैं ये सवाल चाहूंगी कि आप इस पर टिप्पणी जरूर करेंगे। बजरंग सर, कथ्य और शिल्प की दृष्टि से अब दलित साहित्य अपने उतार पर आने लगा है और लक्ष्य से भटक गया है, क्योंकि आज ज्योतिबा फूले से लेकर बाबा साहब तक का सारा साहित्य नेट पर फ्री में उपलब्ध है। जब हिंदी में दलित साहित्य के उद्भव के 20-25 साल में भी दलित और पिछड़ा समाज ब्राह्मणवादी ताकतों के इशारे पर चल रहा है तथा वर्णाश्रम की राजनीति के चक्र में पड़ा हुआ है, ना तो शिक्षित और संगठित हो रहे हैं और ना संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर दलित साहित्य की क्या उपादेयता है? साहित्य का अभिरुचि के हिसाब से भी अब एक वासीपन या बंधी बधाई लीक का एहसास होने लगा है। बजरंग तिवारी सर, सर आप आलोचना पर बात करते हैं, ये इसी के साथ सर से बजरंग बिहारी सर से एक सवाल मेरा भी इसी में जोड़ लीजिए। अभी यादव सर, हाँ जी पूछिए, आप लोग आपस में जरूर टिप्पणी करना चाहें या तो बजरंग सर। आपने एक लेख लिखा था दलित विमर्श में स्त्री, हिंदी दलित विमर्श में स्त्री, वो मैंने ध्यान से पढ़ा, तो उसमें आपने एक सवाल उठाया है, दो उसके है बिंदु। एक आपने ये कहा कि ये प्रतिरोध का साहित्य ना बनकर प्रतिशोध का साहित्य बनता जा रहा है, और दूसरा एक टर्म आपने दिया था सांस्कृतिक अस्मितावादी दृष्टि जो है वो उभर करके सामने आ रही है दलित साहित्य में, तो इन दोनों बातों पर भी टिप्पणी कीजिए। असल में ये दोनों ही टिप्पणी सर डीएनए एक बड़े समय की मांग करती है, और क्योंकि सर पहले भी अपना समय ले चुके हैं इतनी चीज छोटे समय में कैसे एक्सप्लेन हो, फिर भी मुझे लगता है संक्षेप में सही बजरंग सर के पास ये कला है कि वो आपको संतुष्ट कर सके और इस प्रश्न का भी जवाब समेटे बीच में। बजरंग सर जी, हाँ मैं पहले कह रहा था कि मैं बहुत सहज नहीं हूँ माध्यम पर, इसलिए समेट पाऊंगा नहीं जानता हूँ। दो तीन चीजें कहूंगा इन प्रश्नों के संदर्भ में और जो बात हुई है। देखिए जूठन और दलित विमर्श नाम से उनका एक निबंध है वाल्मीकि का, आज की ज्यादातर चर्चा जूठन को लेकर के हुई है, जो कि जरूरी भी है क्योंकि वो क्लासिक कृति बन गई है। क्लासिक कृति का मतलब यह होता है, जिसकी कृति को हम क्लासिक कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम ये नहीं गिनते कि हमने इस किताब को इतनी बार पढ़ा है, वो गिनती हम भूल जाते हैं। जूठन पढ़ रहा हूँ तो छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, हर बार उसको रेफर करने की जरूरत होती है। जब भी कोई किताब इस हैसियत में आ जाए कि आप उसके पठन की उसको कितनी बार पढ़ रहे हैं इसकी ये गिनती भूल जाए, समाज भूल जाए, तो वो क्लासिक कृति है। उस लिहाज से ये रचना वैसी ही, उससे पहले जो आत्मकथा आई थी अपने अपने पिंजरे, उसके बाद में जो आई सबकी विकट सीमाएं हैं, और जो पहले इस किताब के बारे में डीएन यादव ने कह दिया कि एक कहे कि ऊंचाई पर ले जाती है किताब, और जिसको सरपास कर पाना दलित कथाकारों के लिए मुश्किल है और दलित कथाकारों के लिए भी आत्मकथाकारों के लिए भी मुश्किल है। इसकी जो की दूसरी किताब आई, मैं उसका नाम जरूर लेना चाहूंगा, कौशल्या बैसंती की अपने अपने दोहरा अभिशाप। दोहरा अभिशाप भी वैसी ही उसी तरह का कहें कि कुबत रखने वाली, उसी तरह से टिकाऊ, दो
दोनों का कि साई दोनों का जो ट्रीटमेंट है विषय को जीवन को लेकर के वो है, लेकिन वो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। जो निबंध लिखा उन्होंने और मुख्यधारा का साहित्य, मुख्यधारा और दलित साहित्य वाली किताब में जो है संकलित आखिरी हिस्से में है जूठन और दलित नर्श, उसमें उन्होंने तीन चार बातें उठाई हैं, मैं इसलिए उसको कहना चाहता हूँ। मैंने बलिक जी से पूछा था बाद के दिनों में कि आप उपन्यास क्यों नहीं लिखते, ऐसी ये विधा है जिसकी जरूरत है और जो नहीं लिखी जा रही है। कुंदन जी ने जो बात कही कि एक रिपीटिशन हो रहा है, तो अगर मान लीजिए आप इस उसमें जाते हैं, उपन्यास ऐसा इलाका है जहां पर वो चुनौती बड़ी देता है और वहां पर आवृत्ति की गुंजाइश बहुत कम होती है। एक एक विजन आपको डेवलप करना होता है, एक वैकल्पिक समाज का कहें कि एक ताना बाना बुनना होता है, वो एक महत्वपूर्ण। तो मैंने उनसे पूछा वाल्मीकि जी से कि आप क्यों नहीं उपन्यास क्यों नहीं करते, बोले कि सिनॉप्सिस बना लिया है लेकिन तुमने जो गोहाना पर रिपोर्ट लिखी थी वो रिपोर्ट तो ठीक मेरे पास है, उन्होंने कई जगहों पर कोट भी किया है अपनी किताब में, बिल्कुल शुरुआती दिनों में जो गोहाना में हुआ था और उसके बाद में तो मतलब झज्जर के बाद गोहाना और फिर जो सिलसिला चल निकला हरियाणा में, और कई बार हम और कौशल जी विमल जी के कहें कि निर्देश पर गए हैं वहां पर, हम लोग कई कई इलाकों में गए हैं, तो उस बात को बहुत अप्रिशिएट करते थे जी। वो उन्होंने इसमें इस निबंध में और इस किताब में उसको कोट भी किया है, ये जो फैक्ट फाइंडिंग होती है, ये जो घटना स्थल पर जाकर के उन्होंने गोहाना पर एक उपन्यास लिखने की योजना बनाई थी, मुझसे कहा कि वो रिपोर्ट तो ठीक है लेकिन मुझे अपनी डायरी दे दो, तो मैंने कहा डायरी तो नहीं, जो कुछ मैंने नोट किया था वो रिपोर्ट में लिख दिया। कहा नहीं नहीं, रिपोर्ट जो तुमने पर्सनल मार्किंग की होगी, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस नोट किया होगा वो, मैंने कहा नहीं वो मैं रचनाकार तो हूँ नहीं, इसलिए वो इम्प्रेशन जो पर्सनल इम्प्रेशन होते हैं वो तो मैं कर नहीं पाता हूँ, जो तथ्य होते हैं जो बातचीत होती है वो लेकर आता हूँ। इसमें इन्होंने सालवन का, गोहाना का, झज्जर का तमाम संदर्भ दिए हैं जूठन पर लिखते हुए कि जूठन प्रासंगिक क्यों है, आत्मकथाएं प्रासंगिक क्यों है। अभी 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 दो दिन पहले तूतीकोरन में जो हुआ तमिलनाडु के उस इलाके में, मतलब मदुरई हो, तूतीकोरन हो, धर्मपुरी हो, जिसको हम जानते थे कि एक सघन आंदोलन चला था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चला था वहां पर, और उसका अगर ये हासिल है कि दलित अभी तक जो जिस तरह की बर्बरता हुई है, रूह कांप जाए अगर रूह होती हो तो, मतलब आपकी महीनों की नींद चली जाए, ये समझे कि लॉकडाउन है, अब मन बहुत मतलब ऐसा होता है कि वहां जाकर किसी हमारे व्यक्ति को जो वहां पर रह रहा है वहां पर जाना चाहिए, वो लाना चाहिए उस चीज को, उसकी तुरंत से जिस तरह से बाप बेटे को पुलिस ने जिस हैवानियत से, जिस बर्बरता से, जिस क्रूरता से, वो शब्द तो वो एक चीज है। इसी निबंध में वाल्मीकि जी ने एक घटना का जिक्र किया है कि कोई संगोष्ठी थी, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मंच पर मैं बोल करके वापस आया, पानी पिया, अगले व्यक्ति को जाना था बोलने के लिए, उसने नाम दे दिया है श्री भगवान सिंह, तो बोले कि उन्होंने मुझसे मांगा कि जरा अपना बोतल देना, जो उस पर मैंने पानी पिया था उन्होंने पानी पिया, और जब गए बोलने के लिए डायस पर गए तो बोले कि मैंने अभी वाल्मीकि जी के बोतल से उनका पिया हुआ पानी पिया, बताइए जांच पड़ताल कहाँ है। उन्होंने कहा कि जो ये हिंसक घटनाएं हो रही हैं, दलितों के घर जलाए जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इन सबको आप पीछे कर देते हैं, इन सबके ऊपर पर्दा डाल देते हैं, पानी पी लिया, घर जाकर खाना खा लिया, हाथ मिला लिया, एक दूसरे के यहाँ आए गए, और आपको लगता है कि जांच पड़ताल है ही नहीं। कहा ये जो है ये जो भ्रम फैलाया जाता है, इस भ्रम से मुक्ति चाहिए, हिंसा अभी भी जारी है। जूठन या दूसरी कथाएं बहुत बहुत प्रामाणिक तरीके से इस बात को रेखांकित करती हैं कि हिंसा अभी भी बड़े पैमाने पर ज्यादा बर्बरता के साथ जारी है।
एक तो उन्होंने ये कहा, दूसरा उन्होंने कहा जो वामपंथी विमर्श में आर्थिक मुद्दे को बहुत हाईलाइट किया जाता है, उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक संबंधों पर जो असर रहा है उसका कौन की आकलन करेगा। इस व्यवस्था को स्थायित्व देने में धर्म ने जो भूमिका निभाई है, धर्म की जो प्राइमेसी रही है भारत में, धर्म ने जो जकड़ रखा है राजसत्ता को भी और अर्थसत्ता को भी, वो दूसरी बात उन्होंने वहां पर रेखांकित की। सर दोबारा आपकी आवाज, दोबारा आपकी आवाज ब्लिंक करना शुरू हो गई। हाँ, या तो सर हाथ हिल रहा है शायद इसलिए। जी सर। हेलो, आप सबको आवाज सुनाई पड़ रही है? आवाज आ रही है सर? नहीं, कट कट कर आ रही है, कट कट की आवाज आ रही है पीछे। सर आवाज नहीं आ रही प्रॉपर, थोड़ा सा बजरंग जी इसे जो माइक है उसको बहुत बिल्कुल पास ले लीजिए तो हिलेगा नहीं। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत 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 जरूरी बात बातचीत हो रही है। जैसे सर राजेश पासवान जी ने पकड़ा हुआ है ना, ऐसे ही पकड़िए आप भी, ऐसे करके बिल्कुल एकदम वो जो माइक वाला जो पोर्शन है ना सर, जो आपके नीचे है थोड़ा सा, उसको एकदम यहाँ ले लीजिए जैसे उन्होंने किया हुआ, तब और ज्यादा आएगी। और माफी चाहूंगी मैं, बीच में फ्लो छूट भी जाता है बातचीत का। जी जी सर, जी जी, इसको थोड़ा और नजदीक लेके जाइए, थोड़ा और ज्यादा क्लियर आवाज आएगी सर। नहीं सर जी, सर सुन नहीं पा रहे आपको, थोड़ी सी आवाज बिल्कुल एकदम चली ही गई। अब तो आप जी सर नहीं आ रही सर। हाँ थोड़ा सा दिक्कत है आप। हेलो जी सर। सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मैं चाहूंगी कि प्रियंका इसके ऊपर जरूर बोले बीच में, आप इसको कैसे देखती हैं प्रियंका? तब तक सर हो सकता है थोड़ी आवाज क्लियर हाँ। प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका सोनकर हमारे साथ हैं, आप जी हाँ बोले। सभी को मेरा नमस्कार। जय भीम। जय भीम। जो एक प्रश्न किसी की तरफ से आया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कुंदन यादव, कुंदन यादव जी की तरफ से जी। तो उन्होंने बोला कि जो आज का दलित साहित्य है उसमें एक बासीपन आ गया है, वो चेतना नहीं दिखाई दे रही है, ये जो तमाम तरह के मुझे लग रहा है कि एक तरह से आरोप ही है, क्योंकि आप हमारे सामने बैठी हैं, स्वच्छता समाज की आवाज को एक नया आयाम देने वाली भीम आर्मी जैसी जो है एक पूरा आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। हम जब दौर को देखते हैं उस दौर के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जैसे अभी एक पूरा जो मान लीजिए जो हमारी एक वर्तमान सरकार है, उस सरकार से जो हमें तमाम तरह की आशाएं थी, जो उन्होंने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, उसमें युवाओं को क्या मिला, दलितों को क्या मिला? आप देख सकते हैं कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, दलित, पूरा दलित समाज, आदिवासी समाज, उसके साथ क्या क्या घटित हो रहा है। हमने इससे पहले इतना निर्मम और इतना जो है हिंसक घटनाएं नहीं देखी थी जितना इस दौर में हमें दिखाई दे रहा है, और हम इसको एकदम अनदेखा नहीं कर सकते पहली बात। तो दूसरी बात कि दलित साहित्य
बहुत मतलब अच्छे रूप में और प्रखर रूप में रचा जा रहा है, जिसमें हमें पढ़ने की जरूरत है। आजकल क्या हो गया है कि इंटरनेट के माध्यम से इतनी सारी चीजें प्रचारित प्रसारित की जा रही है कि लोग किताबों पर कम ध्यान दे रहे हैं, जबकि इतनी सारी पत्रिकाएं आ रही हैं, उन पत्रिकाओं को पढ़िए, उनको खंगालिए, देखिए कितने अलग अलग लेख और जो है हमारी जो समाचार पत्र है उसमें भी कॉलम निकलता रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो है आजकल एक चीज और की जो हमारी दलित राजनीति है, और दलित राजनीति कितनी जो है किस तरह की हो गई है, पूरे जो जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े आका लोग हैं, ये भी कह सकते हैं कि उनकी राजनीति किधर जा रही है, और हमारे दलित राजनीति ने किस तरह से अगर दलित साहित्य और दलित राजनीति दोनों को जोड़कर देखें तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। दलित साहित्य को हम एकदम नकार नहीं सकते, उसमें जो है जो युवा लेखक है, युवा लेखक और जो जितने भी हमारे आज के लेखक है, मान लीजिए हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही बात करें, उनकी कितनी सारी रचनाएं हैं, उनको उनको हमें पढ़ने की जरूरत है। और जो लोग ये कह रहे हैं बासीपन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद युवाओं में या फिर जो लोग क्या कहते हैं उनके अंदर पढ़ने की अरुचि भले उत्पन्न हुई होगी, लेकिन इसको हम ये कह के एकदम अनदेखा कर देना कि दलित साहित्य में जो एक क्या कहते हैं बासीपन आ गया है, या फिर दलित आंदोलनों को नकार देना, क्योंकि अलग अलग मोर्चे पे अलग अलग चीजों में जितने भी संघर्ष, जितने भी जो आंदोलन हो रहे हैं, या जितने भी आप देख रहे दमन हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से जो है चेतना प्रतिरोध सब दिखाई दे रहा है, तो हम उसको नकार नहीं सकते। चाहे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आरक्षण रिजर्वेशन जो 200-point रोस्टर को हटा के 13-point रोस्टर किया जा रहा था, उसमें कितनी बड़ी संख्या में जो है दलितों ने आंदोलन किया, तो हम कैसे प्रियंका आपने सही अपना विश्लेषण एक तरह से आपकी तरफ से आपने इसके ऊपर टिप्पणी की। बजरंग सर, क्या आपको अब आप कंफर्टेबल हैं? आवाज आएगी सर? एक बार म्यूट करके देख लीजिए और फिर हम चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। प्रोफेसर विमल थोराट के टिप्पणी में लास्ट में चाहूंगी। बजरंग सर, आपकी आवाज, आप एक बार म्यूट करिए अपने आप को और फिर देखिए आपकी आवाज ठीक आ रही है। बजरंग सर, अनम्यूट करिए अपने आप को जी। जब तक सर हमारे साथ आए, मैं आज हमारा जो हम एक ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्म दिवस पर उनके रचना क्रम पर उनके व्यक्तित्व को लेकर आज हमने जो चर्चा की है, इस चर्चा में फेसबुक लाइव से जो हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, राजकुमार जी, राजू गौतम कुमार जी, कुंदन यादव जी और महेश वर्मा जी, मैं तमाम जितने लोग जिन्होंने टिप्पणी की है, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल थोड़ा सा कम है समय, हमारे पैनलिस्ट काफी देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं और खाने का भी टाइम होता जा रहा है। मुकेश कुमार जी, मणिक जी, अजय नावरिया जी ने बहुत सही कहा, राजेश सर आपकी आपने जब अपनी बातचीत की, आपको आपने बहुत अच्छा सवाल किया, डॉक्टर कर्मानंद आर्य बोल रहे हैं ऐसा, अजय नावरिया जी आपसे लगातार जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं आप सबको, पैनलिस्ट को, टीपी ये मेरे ख्याल से तमिलनाडु के होंगे, मुझे नाम थोड़ा सा दिक्कत है इनकी, टीपी कारू काचल जी आप लोगों को सुन रहे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जन्मदिन की बधाई मंगल कामनाएं दे रहे हैं, दत्तात्रेय मुरु मका दत्तात्रेय मुरुमकर, माफी चाहूंगी मैं थोड़ा उच्चारण ठीक नहीं कर पा रही, आपने जिस तरीके से लिखा है, विद्याभूषण रावत जी, अजय नावरिया जी बता रहे हैं कि आधारभूत संरचना की अच्छी व्याख्या राजेश पासवान जी ने की है, निशा जगदीश पारसा जी ने कहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की किताबें जिसने भी पढ़ी हैं उसे उनके लेखनी से प्रेम हुआ है। दत्तात्रेय जी दोबारा बोल, दत्तात्रेय मुरु कुमार जी दोबारा, मुरु मकर जी दोबारा बोल रहे हैं, वाल्मीकि जी आत्मकथा के विस्फोटक के रूप में उनका महाराष्ट्र के आंदोलन कर्मियों से जुड़ा होना महत्वपूर्ण स्थान है, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है, नमिश्रा जी भी इस बात को मानते हैं, अपने अपने पिंजरे 1985 में जब प्रकाशित हुई तब इस पर मैंने एमफिल किया था, आभार आपका अपनी टिप्पणी की। तमाम लोग, करण कुमार जी, संदीप प्रसाद, सुभाष आर्या जी,
दोबारा फिर दत्तात्रेय जी पैंथर आंदोलन का विफल पैंथर आंदोलन जिसमें जिक्र किया गया था उनके ऊपर लिखते हैं दोबारा से कि पैंथर का आंदोलन विफल नहीं हुआ, वह जो चेतना जगाना चाहता था वह सफल हुई थी, उसका राजनीतिक रूप इंदिरा जी और कांग्रेस के कारण स्थगित किया गया था, उनका ये व्यक्तिगत मानना है। दिलकुश जी, मीना जी सुन रहे हैं, कुलदीप उपाध्याय जी कहते हैं कि दलित आत्मकथा दलित उत्पीड़न और उनके संघर्ष को लिपि देने का प्रथम सचेत प्रयास है। प्रोफेसर राजेश पासवान जी की टिप्पणी को उन्होंने कोट किया है। अजय नवरिया जी आपकी टिप्पणी को दोबारा फिर से कोट करते हैं, झूठन का बहुत अच्छा विश्लेषण, दलित साहित्य विचारधारा पर भी अच्छे विचार गंगा साय मीणा जी के लिए है। झूठन का अच्छा विश्लेषण गंगा साय मीणा जी ने किया है। अश्विनी चौहान जी कहते हैं हमारे प्रेरणा स्रोत और हमारे महानुभाव ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के कोटि कोटि नमन। मैं अब बहुत सारे लोगों की टिप्पणी नहीं कर पा रही, सिर्फ नाम भर देना चाहती हूँ माफी के साथ। प्रीतम सिंह राजौरिया जी, श्री पुत्रा तुपुरे, ये भी मेरे ख्याल से कर्नाटका की तरफ से हैं, उन्होंने कहा स्मृति शेष ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के लेखन को केंद्र में रखकर भारतीय दलित साहित्य आंदोलन की बहुत ही मार्मिक चर्चा, मेरे जैसे मराठी दलित साहित्य के अभ्यास के लिए प्रेरणादायक है। मनिक जी दोबारा बात कर रहे हैं, अजय नवरिया जी भी दोबारा ले रहे हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों ने तमाम जितने लोगों ने राजेश मकवाना जी मेरे स्टूडेंट ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और जेसफ मकवाना के उपन्यास पर पीएचडी कर रही है वो लिखते हैं, कमलेश वर्मा जी और तमाम जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अंतिम टिप्पणी के रूप में आप सब जितने हमारे छात्र इस चर्चा को देख रहे हैं सुन रहे हैं आप सबका तमाम साथियों का ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जन्मदिन पर आप लोगों ने इतना कीमती समय मुझे दिया है, अंतिम टिप्पणी के रूप में मैं प्रोफेसर विमल थोराट जी लगातार हमारी इस चर्चा को सुन रही हैं, फेसबुक पे भी लोग सबको सुन रहे थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए। मैम आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विमल थोराट मैम आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आपके अंतिम टिप्पणी मैं चाहती हूँ जी। विमल थोराट मैम आप हाँ जी जी मैम अनम्यूट कीजिए मैम। मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत भी करती हूँ मैम, और मैं आभारी हूँ कि हमारे इस चैनल की तरफ से जो चर्चा है आज ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जन्मदिन के उनके व्यक्तित्व और उनकी पूरा रचना क्रम जितना भी झूठन के माध्यम से तमाम उनके साहित्य लेखन के माध्यम से जो योगदान ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हमारे बीच में छोड़ के गए हैं, राजेश पासवान जी जिस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर बात की, गंगा साय मीणा जी, प्रियंका जी, प्रोफेसर दामोदर मोरे जी ने बहुत मराठी से लेकर तमाम चर्चाएं की हैं हमारे साथ, डीएन यादव जी ने की, और बजरंग बिहारी तिवारी जी का बहुत अच्छा वक्तव्य हमारे तमाम दर्शकों के बीच में था, लेकिन डिस्कनेक्टिंग होने की वजह से हम आपकी पूरी बातचीत हम नहीं सुन पाए, इसका सर मुझे खेद है, और आपने मुझे पहले ही जता दिया था कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं ऐसे वर्चुअल चर्चा में, लेकिन फिर भी आपने तत्कालीन मेरे सिर्फ एक बार फोन करने से आपने समय दिया, मैं सर आपके आभारी भी हूँ, और मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद बाद में करूंगी, पहले प्रोफेसर विमल जी। सभी को जय भीम, और एक बहुत सार्थक चर्चा आज हुई है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन और तमाम उनके साहित्य पर जिस तरह से सभी ने अपनी बात रखी है बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और बहुत ही सबके लिए उपयोगी, खास करके जो छात्र अब इस समय शोध कार्य कर रहे हैं दलित साहित्य पर या तमाम आत्मकथनों पर और जूठन पर, तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम करके आपने बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया, और आज के दिन उनकी ओम प्रकाश जी वाल्मीकि जी की स्मृति दिन है, उनको मैं बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। और एक प्रसंग मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब वाल्मीकि जी बहुत ज़्यादा बीमार थे और मनोहर लोहिया में एडमिट थे, तो मैं मिलने गई थी गंगाराम में, जब मैं मिलने गई थी तो उन्होंने कहा
उन्होंने एकदम उठकर मुझे गले से लगा लिया और कहा कि मुझे वो दीदी कहते थे, विमला दी मुझे और 5 साल चाहिए। और मैंने कहा 5 क्यों, आपको 50 साल और जीना है, क्योंकि साहित्य की जितनी सेवा और दलित साहित्य के भीतर जो एक नई चेतना का अवगाहन आपने किया है वो अधूरा छोड़कर आप नहीं जा सकते। खैर अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो रचनाएं हमारे सामने हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, खास करके जूठन भाग 1 और भाग 2, और भाग 2 तब नहीं छपी थी, उसके उनके जाने के बाद ये छपी है, जिसका जिस जिसके लिए कौशल्या को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, कि कौशल को बहुत देना धन्यवाद देती हूँ कि उसने तुमने उसे अपने लैपटॉप पर संग्रहित करके रखा था, जितनी भी उसकी जो टाइप किया था, जो जो बातें वो लिख कह रहे थे। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास तुम्हारा रहा। और दूसरा प्रयास मेरा ये था कि ये आत्मकथन छपना चाहिए और जल्दी छपना चाहिए। तो मैंने आग्रह किया चंदा जी से, चंदा जी वो मैन्युस्क्रिप्ट लेकर आई मेरे पास और उसी दिन 2 दिन रही मेरे साथ मैंने, और उन्होंने दोनों ने मिलकर पढ़ा उसे फिर बार बार, बहुत यादें उसमें समाई हुई थी। और जो अशोक वाजपेयी अशोक वाणी के प्रकाशक, उनको बुलाया था, वो भी आ गए और उन्होंने उसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इसे छापूंगा। और वो छापने के लिए इतने तत्पर थे कि मुझे सिर्फ 2 दिन दिए उन्होंने भूमिका लिखने के लिए, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही स्क्रिप्ट थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, उसकी कॉपी तक नहीं बना पाए। और मैंने मुझे सिर्फ 2 दिन दिए और 2 दिन में मैंने भूमिका लिखने का प्रयास किया और भूमिका लिखकर उनको सौंप दिया। उनका आदमी दरवाजे पर खड़ा था शाम को 2 दिन के बाद। तो प्रकाशक की तरफ से इतनी तत्परता मैंने पहली बार देखी, क्योंकि जूठन का दूसरा भाग प्रकाशित होना बहुत जरूरी था। आज जो सार्थक चर्चा हुई उसमें बजरंग जी ने और तमाम जो आज के जितने भी चर्चा में शामिल थे, डीएन यादव, गंगा साय मीना, राजेश पासवान, प्रोफेसर राजेश पासवान, और किस कुछ और कौन थे, मैं भूल तो नहीं रही, दामोदर मोरे को मैं सुन नहीं पाई, बहुत अंतिम अंश मैंने केवल सुना। तो सभी की प्रियंका सोनकर, डॉक्टर प्रियंका सोनकर, तो डॉक्टर प्रियंका, सभी की बातों से ये मतलब जो एक एहसास हो रहा है कि ये जो आंदोलन है, जो साहित्य के मार्फत, जो जिसके अग्रणी और वरिष्ठ लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रहे हैं, उन्होंने केवल कहानी और कविताएं ही नहीं लिखी, तो आलोचनात्मक जो उसका पक्ष है दलित साहित्य का, वो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा है, और जिस पर बजरंग जी ने बहुत ही सार्थक वक्तव्य दिया है, और उनकी लेखनी का जो एक मंतव्य था, जो ध्येय था, वो मुझे लगता है कि आज पूरा होने जा रहा है, क्योंकि जो नए लेखक वर्ग है, नया लेखक जो आ रहा है, लेखक लेखिका है, उनके लेखन में वही तेवर मैं देखती हूँ जो वाल्मीकि जी का तेवर है। मुझे बहुत उनका वो तेवर बहुत बहुत ही दिल को छूने वाला है, क्योंकि कोई जब अपनी आत्मकथा लिखता है तो उस पीड़ा को फिर से झेलना होता है। यही बात दया पवार ने भी लिखी थी कि जो मैं लिख रहा हूँ इस मेरी आत्मकथन में, बलूत में, वो समुन्दर के ऊपर, जो एक समुन्दर में जो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं वो बर्फ का एक बहुत बड़ा अंश तैर रहा है, उसका एक टिप ऑफ द वो है, उसका जो ऊपर आया हुआ कोना जो दिखता है, उतना भर ही मैं लिख पा रहा हूँ, लेकिन बाकी जो वेदना का जो जितना समंदर है वो समंदर के नीचे है,
अभी उसे अभी 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 व्यक्त होना है। तो जीवन के जितने भी आयाम हैं उनको समेटता हुआ जूठन हमारे सामने है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानियां हैं, इतनी उम्दा कहानियां हैं जो कि मैंने अपने पाठ्यक्रम में हिंदी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में एमए के पाठ्यक्रम में लगाई है, जिसको पढ़कर छात्रों की जो प्रतिक्रिया आती है और जो पढ़ने को मिलती है, जिसे बजरंग जी भी वाकिफ है और अन्य प्रोफेसर लोग भी वाकिफ हो गए कि पहली बार जो लोग पढ़ रहे हैं उन कहानियों के माध्यम से या जूठन के माध्यम से, जूठन भी पाठ्यक्रम में लगी हुई है जिसकी एक और ही कहानी है कि जूठन जब पाठ्यक्रम में लग रही थी तो तमाम जितने भी उस कमेटी के जो समिति तय करती थी, हमारे यहाँ एक समिति होती है जो कि बड़े आलोचक और बड़े लेखक उसमें शामिल होते थे, उन लोगों ने उसे एकदम नकार दिया था कि जूठन क्यों लगाना चाहती है आप। तो मैंने कहा जूठन नहीं लगेगी तो दलित साहित्य की, हिंदी दलित साहित्य की जो एक बहुत रूह, जिसे रूह कहना चाहिए या अगर रूह की रूह को तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन जो एक 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 क्लासिक रचना है जिसमें पूरे दलित समुदाय की जो पीड़ा और वेदना और जो वंचना है, जो शोषण है, जो शोषण की प्रक्रिया है, जो शोषण का जो एक पूरा जो व्यवस्था है उसको उजागर किया है, उसको चित्रित किया है, और जिससे कि आज हमें पता चलता है कि दलित हिस्ट्री क्या है, जिसका जिक्र प्रियंका ने किया है। और प्रियंका ने जिनके सवाल का जवाब दिया, शायद कुंदन जी ने ये सवाल किया था, बासीपन आ गया है। बासीपन कैसे बासीपन लगता है अगर घटनाएं घटित होना बंद नहीं हुई है, रोज ना रोज कहीं ना कहीं दिल पूरे देश में जिस तरह की इस कोरोना के समय में भी दलितों पर, दलित महिलाओं पर, बच्चियों पर जितने अत्याचार हो रहे हैं, अगर ये खत्म नहीं होगी तो दलित साहित्य को खत्म कैसे माना जा रहा है, कैसे बासीपन आ गया है। ये एक रेटोरिक है, ये सोच, इस सोच को हम बिल्कुल नकारते हैं और इस सोच के जो इसको बदलना पड़ेगा। यही सोच बड़े आलोचकों की भी थी जिन्होंने दलित साहित्य को नकारा था, जिसके ऊपर बहुत वाद विवाद हुआ और जिन पर मैंने टिप्पणी की वो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन बहुत एक वाक युद्ध चला था, बहुत ही वाक युद्ध चला था और लंबे समय तक। मैं समझ रही हूँ आपकी समय की कमी है, समय की कमी है, लेकिन अगर वाल्मीकि जी के पर बोलना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि पर, तो मुझे लगता है कि उनके एक एक लेखन के उनके एक एक हिस्से को लेकर, एक बार कविता, एक बार कहानी और एक बार जूठन, आत्मकथन और आलोचना, पूरे क्षेत्र को उनके इतने बहुत बड़े बड़े पटल को उन्होंने अपने लेखन के दायरे में लाया है और दलित समाज की और दलित दलित उत्पीड़न की जो सच्चाई हमारे समक्ष रखी है, पूरे देश को एक आईना दिखाया हुआ है, इस भारतीय समुदाय को आईना दिखाया है, मुझे लगता है उस पर एक और अलग से चर्चा में रखनी होगी। और कौशल, तुम्हारे तुम्हारे पास ये कौशल है, तुम ये कर सकती हो, बिल्कुल एकदम और ये कर सकती हो। मैं तुम्हें फिर से धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह की बहुत सार्थक चर्चा आज के दिन, जब ओम प्रकाश जी का आज जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर ये चर्चा रखकर बहुत ही एक सार्थक और बहुत ही अच्छा प्रयास तुमने किया है, तुम्हें फिर से धन्यवाद। मैम, हमारे साथ रवि अहिरवार जुड़े हुए हैं, लगातार चर्चा को सुन रहे थे, सुहास जी जुड़े हुए हैं, पवन कुमार जी और विवेक कुमार जी, ये नए युवा हैं। आप में से कोई भी अंतिम सवाल के रूप में, संक्षिप्त में कोई भी पूछना चाहें हमारे पैनलिस्ट से, और मैं तो बल्कि चाहूंगी कि इसी बहाने प्रोफेसर विमल थोराट हमारे बीच में है, आप वो भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, प्रोफेसर दामोदर मोरे जी भी हैं। आप तीनों चारों में से, विवेक कुमार जी दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, पवन कुमार जी भी और सुहास जी भी और रवि अहिरवार जी, अगर आपके कोई जिज्ञासा हो
रखनी हो बहुत संक्षेप में आप अपने आप को म्यूट करके कर सकते हैं। जय भीम मैम, मैं रवि, मैं भी साउथ कैंपस से ही हूँ, यहीं पे अभी हूँ। रवि सीधा सवाल और जिससे पूछना चाहे, हमारे 4-5 पैनलिस्ट हैं, मैम भी उसमें हमने शामिल की हुई है, आप संक्षेप में पूछें। जी सवाल तो बहुत अहम नहीं कह सकते हैं क्योंकि वाल्मीकि जी से और हम क्या सवाल पूछे, क्योंकि वो हमारी ही व्यथा उन्होंने लिखी हुई है। तो बाकी थोड़ा सा ये है कि जो यूथ है उसके लिए वो उस तरीके की चीजें अभी समझ में नहीं आती हैं, तो मैडम थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि वो किस तरीके की चीजों को उनमें से पकड़े, जैसे हम बहुत आधुनिक कहते हैं जो जिस तरीके का आज चल रहा है मामला साहित्य में। मैम औरों को भी ले लेते हैं साथ में। हाँ, और भी सवाल हो तो सबको जोड़कर मैं विवेक या जो जो पैनलिस्ट है उनसे ही बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो भी रिस्पॉन्ड करना चाहे, प्रोफेसर दामोदर मौर्य जी, राजेश पासवान जी, बजरंग तिवारी सर, गंगा साहब, मीणा जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, आप तीनों में से कुछ और पूछना चाहे ताकि इकट्ठे एक ही साथ रिस्पॉन्ड किया जाए। पवन कुमार, सुहास जी या विवेक कुमार। हाँ विवेक बोलिए। मैम सभी को जय भीम। सबसे पहले मेरा मैम मैं सभी पैनलिस्ट से एक सवाल पूछना चाहूँगा जो भी इसमें जवाब देना चाहे, कि आजकल की जो एक युवा होने के नाते आजकल की जो दलित युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं मैम जो दलित साहित्य है उसकी ओर अग्रसर थोड़ा कम हो रही है, उसमें थोड़ी कम रुचि दिखाती हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए हम किस तरीके से जागरूक इनको कर सकते हैं? आप में से जो भी रिस्पोंड करना चाहें, प्रोफेसर राजेश पासवान, दुमादुर मोरे, डीएन यादव सर, कोई भी। जी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ प्रियंका बोलिए। तो पहला सवाल अभी आया था जिन्होंने किया रवि अहिरवार जी ने। हाँ दूसरा प्रश्न मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं अपना ही अनुभव बताऊंगी। जब मैं 2005 में BHU से ग्रेजुएशन कर रही थी, 2007 में मेरी एक दोस्त ने मुझे जूठन पढ़ने के लिए दिया, वो मुझे कुछ किताबें देती थी पढ़ने के लिए और उस समय मैंने 2007 में वो किताब पढ़ी। एक्चुअली मेरी उस समय आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं थी और मैथ में जो है कुछ इस तरह का था कि मैं 4 दिन से भूखी थी और उस समय मुझे वो किताब पढ़ने को दी गई। मैं पूरा नई पारी के लिए बहुत बहुत बधाई, स्वच्छ कर समाज के आज आपको बधाई दे रहा हूं। मैं मैंने जो है पूरी कंटिन्यूअस वो किताब एक ही सुर में पढ़ ली और मैं खूब रोई। मैं इतना रोई और मैंने ये सोचा कि मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं है जितना जो है वाल्मीकि जी ने सहा है। इन्होंने तो हम सभी, चाहे आज का युवा हो या जो पहले के समय का रहा हो, उन्होंने सबको एक आवाज दी, सबकी मतलब पूरे दलित समाज की चिंता को, दलित समाज के जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जितनी भी व्यवस्था थी सबको जो है उन्होंने उकेरा। तो मुझे लगता है कि चाहे आज का दलित युवा हो या चाहे आगे भी पीढ़ी का जो युवा होगा उसको बहुत संघर्ष करना है और हमें जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनके साहित्य से जो हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है, डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरणा लेने की जरूरत है और उसी मसाल को हमें जो है आगे जलाने की जरूरत है, मुझे ये लगता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका। प्रोफेसर राजेश पासवान विवेक कुमार सर के प्रश्न का सर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। शुक्रिया कौशल जी, अपने दोनों छात्रों विवेक और जो राज जी ने पूछा था उन सबके लिए बारे में कहना चाहूंगा, ये सही है कि इस समय दलित समाज में मध्य वर्ग का विकास हुआ है तो हमारे पास एक नई पीढ़ी आई है, एक नई जनरेशन आई है, उसको वो सारे कटु अनुभव नहीं झेलने पड़े हैं जो हमारी पिछली पीढ़ी को झेलने पड़े थे। जैसा कि मेरे पिताजी ने जो संघर्ष किया है वह संघर्ष मुझे नहीं झेलना पड़ा और मेरे बेटे को वह संघर्ष थोड़ा सा कमतर झेलना पड़ेगा। तो इस वजह से जो दलित युवाओं को दलित समाज और दलित वेदना के प्रति या दलित साहित्य के प्रति जो आकर्षण नहीं बन पा रहा है इसकी एक वजह वह हो सकती है क्योंकि सामाजिक परिवेश बदला है, लेकिन परिवेश बदला है, दलित उत्पीड़न की घटनाएं नहीं बदली हैं, उसका सलीका बदल गया है, उसकी जो तासीर है वो बदल गई है, उसके जो अंदाज है वो बदल गए हैं, बहिष्कार की वंचना की परिभाषाएं बदल गई हैं, लेकिन वंचना नहीं बदली है। जैसे कि बजरंग सर ने जो जिक्र किया था कि एक बार
ओम प्रकाश वाल्मीकि सर ने बताया था कि कोई उनसे पानी पी लिया और एक आने लगे आप कोई कहीं पे कोई नहीं है, छूतछात नहीं है, लेकिन कैसे बारीकी से इस समय काटा जाता है उनके दलित और वंचितों के अधिकारों को। 200 पॉइंट रोस्टर का आपने हवाला किया था कि कितनी बारीकी से न्यायपालिका से लेकर के और पूरे जो तथाकथित मेरिटोक्रेसी ने किस तरह से पूरी तरह से वंचना का पैमाना तैयार कर दिया था। न्यायपालिका में आपको न्याय नहीं मिल पाएगा, आपके साथ उत्पीड़न होगा, वहां पे आपके साथ जस्टिफिकेशन नहीं, उसको जस्टिफाई चीजें नहीं कर पाएंगे, तो इतनी बारीकी से आपके साथ आपको परेशान किया जाएगा कि अंततः आपको मजबूर होना पड़ेगा ये मानने के लिए कि दलित उत्पीड़न है, रूप बदल गया है। जूठन की जो दूसरी किस्त दूसरा खंड आया था उसमें देखिएगा वाल्मीकि जी कैसे शहरों में और मकान को लेकर के और किराए पे जिस तरह से मकान मिलते हैं और किस तरह से दलितों के साथ भेदभाव होता है उसका जिक्र करते हैं। तो यह जो गांव बरला मुजफ्फरपुर से जो कथा शुरू हुई, जब बरला मुजफ्फरनगर के गांव की जो कथा शुरू हुई थी वो कैसे शहरों में आकर के और किरायेदारों को लेकर के और दलितों को किराए पे मकान नहीं देने से शुरू खत्म होती है, यह एक बदला स्वरूप है उसका। लेकिन साथ ही साथ इस आत्मथा के सहारे एक और बात हमें मिलती है जो इस पीढ़ी के लिए जरूरी है, और मैं अपनी बात कहना चाह रहा था कि यह दलित आत्मकथाएं जो है गैर दलित समाज को भी दलित समाज के जीवन से परिचय करा रही हैं। तो कौन कौन सा व्यक्ति किस जाति में पैदा हो रहा है ये उसके हाथ में नहीं है, उसके बस में नहीं है, लेकिन किस मानसिकता को किस विचारधारा को पसंद करता है ये उसके वश में है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में है। तो ऐसे गैर दलित समाज को भी बदलने का, उनके मन में परिवर्तन लाने का, उनको दलितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने का, उनके साथ सहानुभूति रखने का जो एक एक माजने का काम करती है दलित आत्मकथाएं, उस बदलाव को वाल्मीकि जी भी स्वीकार करते हैं। और आपने जिक्र किया था कि जब वाल्मीकि जी बीमार थे तो जेएनयू के ड्यू के बहुत सारे ऐसे छात्रों ने उनके लिए खून दिया था, उनको हर तरह से मदद की थी। वो छात्र सिर्फ दलित नहीं थे बल्कि सभी वर्गों के लोग थे। तो यह जो सामाजिक बदलाव की आहट है, इस बदलाव को प्रकाश वाल्मीकि जी पहचान रहे थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा। उनके पाठकों को भी, उनके प्रशंसकों को भी इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, और इस बदलाव के साथ साथ जो बदल रहे हैं चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे दलित समाज के हों या गैर दलित समाज के हों, जो इस बदलाव के साथी बन रहे हैं उनके साथ देने की, उनके साथ बने रहने की भी जरूरत है। एक जिक्र आपने किया था सौ यात्रा कहानी का, यह कड़वी सच्चाई है, और दलित आंदोलन से जुड़े हुए लोग इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। दलितों के बीच जो उपजातियों का विभाजन है यह भी उतना ही घातक है जितना गैर दलित और दलित के बीच का विभाजन है। तो एक साहित्यकार समाज की जो दुखती रग है उस पे अपनी बात रखता है, उसको पूरी संजीदगी से, पूरी ईमानदारी से उकेरता है, उसके समर्थकों के उस कह सकते हैं कि उनके फॉलोअर्स की जिम्मेवारी है कि उनको कैसे दूर कर पाते हैं। तो ये सारा लेखन वाल्मीकि जी के रचनाओं में मिलता है, उनके जीवन दर्शन में मिलता है। हमारी नई पीढ़ी को चीजें बदली हैं, लेकिन बदलाव की जो बारीकियां हैं उसको भी नजर ध्यान देने की जरूरत है, और संघर्ष की जो नए स्वरूप बन रहे हैं उनको भी नोटिस लेने की जरूरत है। चीजें इतनी खुशफाम नहीं हो गई हैं कि हम पूरी तरह से आंख मूंद करके बैठ जाएं, और चीजें इतनी खराब भी नहीं है कि हम लगातार उसी का रोना रोते रहें। चीजें अच्छी भी हैं, और हमें उस बदलाव के साथ पूरे परिवेश को, वाल्मीकि जी को, पूरे दलित साहित्य को, पूरे दलित आंदोलन को समझने की जरूरत है। शुक्रिया। शायद डिस्कनेक्ट हो गई है क्या मैडम? कुंदन जी के सवाल को लेकर के, कुंदन जी ने जो चिंता व्यक्त की है वाकई वो चिंता वाजिब है, लेकिन एक और मैं पूछता हूँ कि क्या धार्मिक कर्मकांड करना खराब है या दलित पिछड़ों का करना खराब है? अगर कर्मकांड खराब है तो सबके लिए खराब होगा जो लाखों करोड़ों के पंडाल लगा करके और प्रवचन करते रहते हैं, अगर ये खराब है तो उनके लिए भी खराब होगा। तो मेरी अपनी समझ में सिर्फ किसी के किस विचारधारा को अपना रहा है, उसकी अपनी जीवन शैली क्या है,
उसकी अपनी रचनाकार की क्या स्थितियां हैं, इसके आधार पे किसी का मूल्यांकन करना मुझे उतना बेहतर नहीं लगता। और ये जाहिर सी बात है कि ये जो धार्मिक पाखंड है, धार्मिक कर्मकांड है, इनके सहारे दलित पिछड़ों को हजारों वर्षों तक वंचित किया गया है और उनको वंचना का शिकार बनाया गया है। ये इसमें बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि धार्मिक विचारधारा काम करती रही है, जिसको डिवाइन स्लैब के रूप में बना दिया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इन्हें डिवाइन स्लैब कहा। तो ये जो सारे क्रियाकलाप हैं धार्मिक अंधविश्वास वाले, वे कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम बनाते हैं। और जो लोग अपने को तर्कशील मानते हैं, जो तार्किक मानते हैं, जो अपने को इनलाइटेंड मानते हैं कि वे प्रबुद्ध हैं, उनको इन धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति जाकर नतमस्तक होना खराब लगता है। कुंदन जी की चिंता यही है कि जो अपने आप को जो मानते हैं कि उनके महापुरुष भगवान बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति हैं, जो भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि अपने तर्कों की कसौटी पर रह के उसको मानो, तो इसने जो एक तार्किक व्यक्तित्व के अनुयायी या उनको आदर्श मानने वाले जब किसी भेड़िया धसान के अंदर जा करके और मथा टेकते हैं और जाके अपने वहां पे मतलब अपनी बेवकूफियों को सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं, ये दुखद है। ये चिंता कुंदन जी की है, लेकिन कह सकते हैं कि यह इस समय पूरे राजनीति को संचालित कर रहा है। आपने पिछले कई बार तस्वीरें देखी होंगी कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी मतलब जाकर के किसी शंकराचार्य के पैरों में बैठे थे। आज भी बहुत सारे लोग देखते हैं कि जाकर के क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें गलत है। अगर गलत हैं तो सारे लिए सबके लिए गलत हैं, और इसके लिए सिर्फ दलित और पिछड़ों को ही दोषी ठहराना मुझे उतना सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये सबको दोषी ठहराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आकर के अपना आडंबर करेगा और बहुत बड़ा उसे एक नेशनल मिनिस्ट्री में जगह मिलेगी, क्योंकि उसको उसके जो वहां जाने वाले लोग हैं वो अलग क्लास से आते हैं, और दलित पीछे वहां पे जाएंगे तो उनको उनको पिछड़ी सोच का कहा जाएगा। थोड़ा सा कुंदन जी से सहमत होते हुए भी, कुंदन जी की चिंताओं से अपने को वाकिफ करते हुए भी मैं कहना चाहूंगा कि ये चीजें गलत हैं। किसी भी किस्म का अंधविश्वास गलत है, चाहे वो कोई कर रहा हो, किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा हो, कि कोई डिग्री होल्डर कर रहा हो या कोई अनपढ़ गवार कर रहा हो। शुक्रिया जी। बजरंग तिवारी सर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे या प्रोफेसर दामोदर मौर्य जी? अंतिम बजरंग सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ, जी, हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। आवाज आ रहा है? जो सवाल रहेगा था, जिस निबंध का हवाला दिया था माता नारायण जी ने, प्रतिशोध का लेखन बता जा रहा है, वो असल में बाद में एक हिस्से एक ग्रुप के रूप में कन्वर्ट हो गया। एक समूह है जो धर्म को मानता है, ईश्वर की जरूरत को रेखांकित करता है, स्वीकार करता है कि बगैर ईश्वर के कल्याण नहीं होगा, का जो स्त्रियों को कहें कि दुराचारिणी के रूप में देखता है। उस समय शुरू के दिनों में तो वह समझिए कि बनता हुआ था, बाद में फिर वो समूह अलग हो गया। और जब दलित स्त्रियों ने सन 2000 के बाद सन 2010 में तो फिर संख्या अचानक बढ़ती हुई दिखाई पड़ी हिंदी में, जब दलित स्त्रियों ने कमान अपने हाथ में ले ली दलित साहित्य की, इस समय सर्वाधिक संख्या में दलित स्त्रियां हैं हिंदी में, तो दलित साहित्य का जो दिशा उसकी है, जो उसका रूप रंग है, जो उसकी भविष्य की चिंता है, वो बदल गई। आप जो ये कहते हैं कि पुनरावृत्ति हो रही है, एक नया नयेपन की तलाश है। अगर आप दलित स्त्रियों का लेखन पढ़ें, अभी तो खासतौर से कविता में सक्रिय हैं, कुछ कहानी में हैं, तो आपको पाएंगे कि वो जो एक कहीं डायलॉग बना था वो टूट गया है। ये जरूर है कि इस समय जिस तरह से चर्चा आज के 20 साल पहले 10 साल पहले होती थी, अभी वो चर्चा उस तरह की होती नहीं है।
यद्यपि विश्वविद्यालयों में जगह मिल गई है, यद्यपि वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बनाने का एक अभियान चला है और इससे बहुत बड़ी भूमिका एक मतलब हमारे कई सारे दोस्तों की रही है। विमल जी ने तो पूरा कोर्स ही खड़ा कर दिया इग्नू में दलित साहित्य को लेकर के, उसके बावजूद तो जिस तरह का की बहसें होती थी आज के 15-20 साल पहले वो थोड़ी रुकी हैं। मुझे लगता है कि उसको तोड़ने की उन बहसों को जिसमें 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 आप सीधे मुखातिब हों और बिना डरे हुए आलोचना कर सकें उसको फिर से लाने की जरूरत है। जो अंतिम चीज कहना चाहता हूँ यह कि वाल्मीकि जी दलित साहित्य को वास्तविक दलित जीवन को जोड़कर देखने की जो बात कहते थे कि अगर आप जूठन पढ़ रहे हैं तो आप गोहाना को न भूलें, वो 1950 में पैदा हुआ एक व्यक्ति वो बीजेपियों की बात नहीं कह रहा है, दो राजेश जी कह रहे हैं कि अभी भी उसी बर्बरता बदली हुई बर्बरता के साथ वो सारी हिंसा कायम है, उसका भी संज्ञान लें और इसका भी संज्ञान लें कि बदलाव कहाँ पर हुआ है। अभी जो मजदूरों का आपने विस्थापन देखा, लाखों करोड़ों लोग उजड़े उजाड़ दिए गए, जिस तरह से उनके जाने के टाइम पर ट्रेनें बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई, क्या है ये बड़े पैमाने पर हिंसा है, राष्ट्रीय हिंसा है। इस राष्ट्रीय हिंसा का संज्ञान कौन लेगा? आप ये नहीं कह सकते कि जी वो क्लास का मामला है इसलिए दूसरे लोग लेंगे, वो भी दलित साहित्य का ही इशू। आप सामाजिक पहचान दे लीजिएगा उन मजदूरों की और फिर आप तय कीजिएगा कि वो इशू आपका बनता है कि नहीं बनता है। हिंसा बहुत बड़ा मुद्दा इस समय है, बड़ा मुद्दा है, दलित साहित्य पढ़ते हुए उस हिंसा का संज्ञान लें, ये भी मुझे करना है। जी प्रोफेसर दामोदर बोरे सर की आप अंतिम टिप्पणी सर। हाँ, जहां तक महाराष्ट्र की और पूरे देश की बात है, महाराष्ट्र से जो दलित साहित्य का आगाज हुआ था उसके साथ दलित आंदोलन अंबेडकरी आंदोलन जुड़ा हुआ था। नामदेव ढसाल हो, राजा ढाले हो, वो केवल लेखक नहीं थे, कार्यकर्ता थे, आंदोलक नेता थे। आज के हालात ये है कि आज पूरे देश में अंबेडकरी आंदोलन दुर्बल हुआ है, शबलित हुआ है। अगर समता की प्रस्थापना के लिए, संवैधानिक मूल्यों की प्रस्थापना के लिए अगर आंदोलन चलाया जाए तो आंदोलन से, संघर्ष से और भी सबल, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली साहित्य का निर्माण हो सकता है। तो जो युवा वर्ग है आज भी लिख रहा है, अंबेडकरी चेतना से लबालब भरा हुआ लेखन कर रहा है, हम वहां तक पहुंच सकते नहीं या वो उन तक प्रकाशन पहुंच सकते नहीं, ये हालात है। तो अब भी अगर युवा वर्ग ने बाबा साहब का जो संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, इस पथ पर अगर वो चले तो संघर्ष के साथ साहित्य का भी शक्तिशाली सृजन होता रहेगा। जी डीएन यादव जी आपकी अंतिम टिप्पणी। मैडम, मैं जो अभी आपके ये युवा साथी थे इनके ऊपर एक टिप्पणी ये करना चाह रहा हूँ कि आप ये ना देखें कि घटनाएं क्या हैं, तथ्य क्या हैं, आप उस लेखन की स्पिरिट को समझें। मानव मुक्ति का जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, वो उसका जो रूह है, वो अब भी जो कि तू बरकरार है, उसका संघर्ष अब भी बरकरार है। तो हम अगर उससे प्रेरणा लें मानव मुक्ति के लिए, तो वो साहित्य इसीलिए कालजयी होता है कि वो दशकों तक, सदियों तक लगातार हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देता रहता है। तो हम सभी युवा साथियों को इस साहित्य से इस प्रकार की प्रेरणा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो रूप है शोषण का, वो नई परिस्थितियों में, नए हालात में, नई सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में बदलता है, वो छद्म धारण करता है। तो उस छद्म को पहचान कर, उन्हीं औजारों से युक्त होकर उसको और बेहतर बना करके हम एक बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं। ये साहित्य हमारी मदद कर सकता है।
चर्चा को हम यहाँ विराम देना चाहेंगे। मैं तमाम हमारे पैनलिस्ट का, प्रोफेसर दामोदर मोरे जी हमारे साथ लगातार थे, प्रोफेसर राजेश पासवान जी, प्रोफेसर विमल थोराट जी, डॉक्टर डी एन यादव जी, डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी जी और गंगा साहेब मीणा जी। मीणा सर शायद उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, शायद कनेक्ट नहीं हो पाए। और हमारे जो छात्र हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के और फेसबुक के तमाम मित्र, एक बार फिर से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जन्मदिवस की मैं मंगल कामनाएं देती हूँ। और आप सबको, तमाम सुनने वालों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब ने इतना कीमती समय लॉकडाउन के समय में आपने मेरे इस छोटी सी चर्चा के लिए दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में जितना भी किया जाए, जितना बोला जाए उतना ही कम है। हालांकि हमने 7 बजे शुरू किया था और लगभग हमने समय कैसे बीता है, 9:30 हो चुके हैं और भी बहुत सारे सवाल अधूरे छोड़ के हम लोग इस चर्चा को, आज की चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और मैं आपको उम्मीद करती हूँ, अपने आप से भी ये कोशिश करूँगी कि हम लगातार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जैसे कि प्रोफेसर विमल थोराट जी का सुझाव भी था, एक एक कृतित्व को, एक बार कहानी को, आत्मकथा को और फिर कविता को लेके एक सीरीज हम लोग चलाएंगे जरूर, प्रयास रहेगा मेरा। इन शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर दामोदर मोरे जी का, डॉक्टर गंगा साहेब मीणा जी का, प्रोफेसर राजेश पासवान जी का, डॉक्टर बजरंग तिवारी सर का, डॉक्टर डी एन यादव जी का, डॉक्टर प्रियंका सोनकर, हमारे जितने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र विवेक, रवि और सुहास जी, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद बोलती हूँ। जय भीम मैडम।